गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस पर। तो हम लोग बिहार SSC के स्पेशल सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग लेकर आए हैं। आपको पता है कि बिहार SSC में जो 50 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा उसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 से 6 सवाल तक आपके हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर हम थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर लें तो इस चैप्टर में 5 में 5 नंबर लाना, यानी जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 100% स्ट्राइक रेट लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बेसिक्स को समझेंगे, फिर सवाल करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि आपको इस ABCD का पोजीशन याद होना चाहिए, और वो भी लेफ्ट और राइट दोनों एंड से। तो आपको पता है ये आपका लेफ्ट हैंड है, और अगर ये आपका लेफ्ट हैंड है बाबू, तो इस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंड को बोलेंगे लेफ्ट एंड, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट एंड, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, लेफ्ट एंड कहने का मतलब हुआ बायां छोर। और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट एंड। राइट एंड कहने का मतलब क्या हुआ, राइट एंड कहने का मतलब हुआ दायां छोर, ठीक है। ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अच्छा अगर मैं आपसे सवाल करूं कि लेफ्ट एंड से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो आप डेफिनेटली क्या बोलेंगे कि सर लेफ्ट से चौथा लेटर D होगा, ठीक है। और यदि मैं आपसे सवाल करूं कि शुरू से स्टार्टिंग से चौथा कौन होगा, तो भी आप क्या रिप्लाई देंगे कि सर D ही तो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं छोर बोला जाए या शुरू से बोला जाए, बायां छोर बोला जाए या शुरू से बोला जाए, बात मेरे भाई क्या होगा, सेम होगा, स्टार्टिंग से या लेफ्ट से। और उसी तरह राइट एंड से बोला जाए या एंडिंग से, लास्ट से, अंत से बोला जाए, बात क्या होगा, सेम होगा। अब अगर मैं लेफ्ट और राइट एंड के पोजीशन को देखूं तो हमें यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जैसे अगर आप देखें ए लेफ्ट साइड से कितना है 1 और राइट साइड से, दाएं छोर से कितना है 26, और अगर मैं यहां लेफ्ट और राइट का सम देखूं, जोड़ देखूं, तो कितना हो रहा है बाबू, 27 हो रहा है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, आप कहीं भी देख लो, जैसे जी आपका लेफ्ट से कितना है 7, राइट से कितना है 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा बाबू, 27 हो जाएगा। के लेफ्ट से कितना 11, राइट से कितना 16, तो 16 11 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी किसी भी अक्षर में, इन एनी लेटर, किसी भी अक्षर में हम जाएं, किसी अक्षर को देखें, तो वहां हर अक्षर में एक चीज खास है, क्या कि बाएं छोर से स्थान, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं छोर से स्थान और प्लस दाएं छोर से स्थान, ये दोनों का सम कितना आ रहा है बाबू, दाएं छोर से स्थान, ये दोनों का सम कितना आ रहा है मेरे भाई, तो सर ये दोनों का सम आ रहा है 27, ठीक है। वैसे में यदि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या आपको बोला कि बाबू अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को बनाना है तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको लेटर के पोजीशन याद होने चाहिए, और वो भी लेफ्ट और राइट दोनों एंड से। तो
लेफ्ट और राइट दोनों इंड से याद करना है, लेकिन अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि सर यदि मैं लेफ्ट साइड से याद कर लूं तो राइट साइड से तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। कैसे? तो अगर आपने पूछा लेफ्ट से फोर्थ लेटर, तो हमने बता दिया लेफ्ट से फोर लेटर क्या होगा, डी होगा। लेकिन अगर आपने राइट से, अगर आपने राइट साइड से हमसे पूछा राइट से सेवेंथ लेटर कौन सा होगा, सेवेंथ, तो क्या करेंगे भाई? तो सर हम लेफ्ट से याद करेंगे, और राइट से चूंकि हमको याद नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे भाई? तो सर कन्वर्ट कर लेंगे लेफ्ट में। कैसे कन्वर्ट कर लोगे? तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट में क्यों कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पोजीशन राइट से ना याद होकर किधर से याद है, लेफ्ट से। और मैं जानता हूं कि लेफ्ट प्लस राइट का सम कितना होता है, 27। तो क्यों ना इसे कन्वर्ट कर लिया जाए। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो सर लेफ्ट को रखना है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये लेफ्ट और प्लस राइट से पोजीशन पता ही है 7, और इन दोनों का सम है 27, तो ये लेफ्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, लेफ्ट बराबर हो जाएगा 27-7, यानी कि कितना, 20। यानी सर कुछ नहीं करना है, अगर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 27 में से ये जैसे ही राइट साइड वाला पोजीशन 7 को घटाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में। यानी लेफ्ट से जो 20 नंबर होगा, लेफ्ट से जो 20 नंबर होगा सर, वही तो राइट से 7 नंबर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक साइड से पोजीशन को याद कर लेना है लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से आपके लिए याद करना आसान है, और राइट से जब जब आएगा पोजीशन आपसे पूछा जाएगा तो आप राइट को कन्वर्ट कर लोगे किसमें बाबू, लेफ्ट में। कैसे कन्वर्ट कर लोगे मेरे भाई? तो सर कुछ नहीं करना है, 27 में से राइट वाला पोजीशन जैसे ही घटाएंगे, राइट कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में। जैसे यहां पे आपसे सवाल क्या पूछा, जरा देख लीजिए, यहां पे आपसे सवाल क्या पूछ रहा है जरा देखेंगे, ठीक है, ओके। जैसे यहां पहला सवाल पूछा कि लेफ्ट से सेवेंथ लेटर कौन होगा, तो अभी मानकर चलना है कि हमें याद है, और जब आपको याद है तो आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट से सातवां अक्षर कौन होगा, जी होगा। लेकिन ये पूछा क्या, राइट से 19वां अक्षर, और मेरे भाई राइट से तो आपको पोजीशन याद ही नहीं है, तो मानकर चलना है कि हमें याद नहीं है। लेफ्ट से जब याद कर लेंगे, याद तो कर ही लेंगे, अगर एग्जाम पास करना है तो याद तो करना होगा, मेहनत तो करना होगा, तो याद कर लेंगे। लेकिन अभी ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग कि हमें याद है, और जब राइट से पूछेगा तो राइट से न याद है न याद करना है, तो करना क्या है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है साहब। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 27 में से ये राइट वाला पोजीशन जैसे ही सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, ये राइट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लेफ्ट में, और लेफ्ट में कितना आया, 8, और लेफ्ट से आठवां अक्षर कौन है भाई, तो लेफ्ट से आठवां अक्षर एच है, तो आंसर हो जाएगा एच। यहां पूछता है कि दाएं छोर से 13th लेटर, दाएं छोर से 13वां अक्षर कौन होगा, फिर से वही कहानी है, राइट से न याद है न याद करना है, तो क्या करना है भाई, कन्वर्ट करेंगे सर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27-13 करेंगे 14, यानी कि एन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आपको ध्यान रखना है ये कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवेल कितने होते हैं, 5, कौन कौन, ए, ई, आई, ओ और यू। अगर आपको एक वोवेल का पोजीशन याद हो गया तो बाकी 4 वोवेल का पोजीशन आपके लिए याद करना एकदम आसान है। कैसे,
जैसे ए तो सबको याद होगा कि ए पहला लेटर होता है, ये तो केजी वन केजी टू के बच्चे को भी पता होगा, ठीक है। तो आप तो कम से कम ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपको पता ही होगा भवेल क्या है, ए ई आई ओ यू। अब अगर पहला भवेल आपका ए है जो एक नंबर पे आता है, तो दूसरा भवेल का अल्फाबेट में पोजीशन निकालने के लिए आपको चार जोड़ देना है, और फिर एक बार चार जोड़ेंगे तो तीसरा भवेल आई का पोजीशन निकल जाएगा। एक में दो बार चार जोड़ दीजिए और दो बार छह जोड़ दीजिए, आपका भवेल का पोजीशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप भवेल का पोजीशन याद रख सकते हो। ए अगर याद है, ए वन है, एक जोड़ चार पांच ई, पांच जोड़ चार आई नौ, नौ जोड़ छ पंद्रह ओ, और पंद्रह छ इक्कीस, 21 कौन हो जाएगा भाई, यू हो जाएगा, है ना। चलिए बिल्कुल। अब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को अगर हम देखें तो कॉन्सोनेंट आपको पता है कि 26 लेटर्स हैं हमारे पास टोटल, इसमें से अगर हम पांच भवेल वाला निकाल दें तो जो जो भवेल है उसको साइड कर दीजिए। जैसे अपन ने ए साइड कर दिया, ई साइड कर दिया, आई साइड कर दिया, ओ साइड कर दिया, यू साइड कर दिया, तो जो बच गया वो क्या, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। ये जरूर ध्यान रखना है कि हिंदी में भवेल का मतलब स्वर होता है और व्यंजन, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ई लेटर पांच नंबर पे है, ई का पोजीशन क्या है, पांच नंबर पे। अगर आपसे कोई पूछे कि ई कितने नंबर का लेटर है तो आप क्या बोलेंगे, सर पांचवा अक्षर है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ई भवेल कितने नंबर का है तो आप क्या जवाब दोगे, दो नंबर का भवेल है, है ना। आई भवेल कैवा है, कितने नंबर का है, तो आई भवेल थर्ड नंबर का है, और आई लेटर कितना है, तो आई लेटर नौवा है सर, ठीक है। चलिए गुड, आगे बढ़ा जाए। आगे आपको ध्यान रखना है अर्धांश। अर्धांश क्या होता है, अर्धांश को अगर मैं संधि विच्छेद करूं, अर्धांश को यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो अर्धांश का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, अर्ध अंश, अर्धांश। तो अर्धांश का यदि संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये होगा अर्ध और प्लस क्या, अंश। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, अंश मतलब टुकड़ा या क्या, भाग, आधा टुकड़ा या भाग, ठीक है। तो आप आधा टुकड़ा किसका करेंगे, नो डाउट यदि आप अल्फाबेट पढ़ रहे हो तो अल्फाबेट का ही आधा टुकड़ा करेंगे। अल्फाबेट है कितना, तो सर 26 है, और जब 26 है मेरे भाई तो 26 का जब मैं अपन हाफ करेंगे तो 13 13 के दो टुकड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे। इंग्लिश से और क्लियर है, हाफ ऑफ अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट का आधा, अल्फाबेट का आधा करेंगे 13 13 का दो टुकड़ा मिलेगा। पहला आधा टुकड़ा को हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब क्या हुआ भाई, तो पहला आधा हिस्सा, और इसको बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या हुआ, दूसरा आधा हिस्सा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि अर्धांश दो तरह के, प्रथम और द्वितीय। प्रथम मतलब पहला 13 टुकड़ा हिस्सा, और पहला 13 कहां से कहां तक होगा, ए से लेकर एम तक, और दूसरा कहां से कहां होगा, एन से लेकर जेड तक, क्योंकि एम 13 पे होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होंगे, कहां से कहां तक, ए से लेकर एम तक, और द्वितीय अर्धांश में कितने होंगे मेरे भाई, एन से लेकर जेड तक, इसमें भी 13 होंगे, ठीक है। आगे आपको समझना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, विपरीत अक्षर को। विपरीत अक्षर क्या है, ठीक है, विपरीत का मतलब क्या होता है बाबू,
विपरीत का मतलब होता है आमने सामने। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा आपको कि हम और आप दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आमने सामने हैं, ठीक है। और जब हम और आप एक दूसरे के आमने सामने होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आपके विपरीत हैं और आप हमारे विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो ऐसा विद्वानों का मत है कि अगर 26 लेटर है और इसको इक्वल डिस्टेंस पे रख दिया जाए, यहाँ पे ए यहाँ पे बी एज इट इज, और इसको आधा पर से अगर मोड़ दिया जाए तो आपको नहीं लगता है ए और जेड आमने सामने आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और इसी आमने सामने को तो क्या कहा जाता है, विपरीत कहा जाता है, ठीक है। यानी ए के विपरीत क्या हो जाएगा बाबू, जेड। बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे भी एक शानदार कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, तो ये आ रहा है सर कि ए और जेड जो दोनों एक दूसरे का विपरीत है, ए और जेड जो दोनों एक दूसरे का विपरीत है, आप यहाँ अगर देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इन दोनों का भी सम क्या है, 27 ही है। ए कितना 1 और बी कितना 26, 1 + 26 इक्वल टू कितना, 27। आप किसी भी विपरीत अक्षर को देख लो, जैसे ई का उल्टा भी है, तो यहाँ भी सम कितना है दोनों का, तो दोनों का सम सर 27, जोड़ दोनों का 27 है सर। तो हम लिख सकते हैं कि जो सम होगा किसका, विपरीत अक्षरों का, अपोजिट लेटर्स का, वो कितने के बराबर होगा बाबू, 27 के बराबर होगा। अब ऐसे में अगर कोई आपसे पूछे कि R का अपोजिट क्या होगा, है ना, R का अपोजिट क्या होगा, बता दीजिए जरा। तो जब आपसे R का अपोजिट पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि रुकिए, R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, और इसका अपोजिट जो होगा उसका सम कितना होगा, ये 18, और ये इसका अपोजिट जो भी होगा दोनों का सम 27 होगा। मतलब ये क्या होगा, अगर निकालना है हमें तो हम सीधा 27 में इस R के पोजीशन को घटा देंगे, घटाएंगे 9 आएगा, 9 का मतलब क्या होता है, I होता है, यानी R के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, I होगा। तो अपोजिट लेटर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या कर देना है, तो सिर्फ ये करना है कि जिसका पूछेगा, जिसका अपोजिट पूछेगा 27 में, उसके पोजीशन को घटा देंगे, सिंपल। जैसे आपसे पूछा ओ का अपोजिट, तो हमको कुछ नहीं करना है, 27 में से ओ के पोजीशन को घटा देना है, घटाएंगे 12 आएगा, 12 यानी कि ओ के अपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई डाउट है क्या, नो डाउट होगा। चलिए अगर हम आगे बढ़ें तो आपको ध्यान रखना है क्या, रिसाइकिल कॉन्सेप्ट ऑफ एन अल्फाबेट, अल्फाबेट का रिसाइकिल हो जाना, ये भी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, रिसाइकिल कॉन्सेप्ट ऑफ एन अल्फाबेट, अल्फाबेट का रिसाइकिल हो जाना। ये क्या कहता है, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे लेटर 26 होता है, 26 नंबर पे क्या होता है, जेड होता है। लेकिन अब यदि आपसे पूछा जाए कि 28 नंबर का लेटर कौन सा होगा, तो मेरे भाई इसका भी रिप्लाई होगा बी। कैसे, उसी के लिए तो पढ़ना है रिसाइकिल कॉन्सेप्ट ऑफ एन अल्फाबेट। ये क्या कहता है कि एक बार यदि ए बी सी डी फिनिश हुआ जेड पर, सचिन जी हैं क्या, एक बार यदि ए बी सी डी फिनिश हुआ जेड पर, तो बाबू एक बार फिनिश होने के बाद ये फिर से रिसाइकिल हो जाएगा, यानी दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा फिनिश होने के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी ए बी सी डी रिसाइकिल होते रहता है। और जब हम लोग इस रिसाइकिल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है
कि मेरे भाई जब ए बी सी डी जेड पे फिनिश हो गया, और जब ये जेड पे फिनिश ही हो गया तो फिर से ए बी सी डी स्टार्ट हो जाएगा, और जब फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो अब जब जेड के बाद ये ए स्टार्ट होगा तो आप समझ सकते हैं कि सर ये तो 26 पे फिनिश हुआ, तो अब जो ये होगा ये रिसाइकिल कॉन्सेप्ट के अनुसार 26 के बाद क्या होगा 27, बी कितना होगा तो 28 होगा, सी कितना होगा बाबू 29, एंड इट ये इसी तरह एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। यानी अगर हम इसकी बारीकियों को समझे तो हमारा मामला ऐसा बन रहा है कि ए, अच्छा ये सारा किधर से पोजीशन है, लेफ्ट इंड से, यानी ये रिसाइकिल वाला जो भी पोजीशन है वो भी तो लेफ्ट से ही है ना, है कि नहीं, ठीक है। है क्या? चलिए, तो अगर हम ए का पोजीशन आपसे पूछे लेफ्ट से तो आप क्या बोलोगे, सर ए लेफ्ट से वन होता है। मैं बोलूं कि एक और पोजीशन बता दो भाई, तो एक और पोजीशन आप क्या बताओगे कि सर अच्छा रिसाइकिल कॉन्सेप्ट से एक और पोजीशन लेफ्ट से हो सकता है, कैसे, तो जेड 26 पे फिनिश हुआ तो फिर से ए शुरू होगा तो ए 27 हो जाएगा। आप लॉजिक ऐसा भी लगा सकते हो कि सर अगर रिसाइकिल कॉन्सेप्ट वाला पोजीशन बताना है, जैसे एफ का पोजीशन हमने पूछा आपसे तो आप बोलोगे लेफ्ट से 6 होगा, हम पूछे एक और पोजीशन बता दो तो आप ऐसे तो काउंट नहीं करोगे कि ए 27, बी 28, सी 29, तो क्या करोगे। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि सर अगर ए के एक्चुअल पोजीशन में 26 ऐड कर दिया जाए तो रिसाइकिल वाला पोजीशन आ जाता है, बी का एक्चुअल पोजीशन क्या है 2, और इसमें हम यदि 26 ऐड कर दें तो रिसाइकिल वाला पोजीशन 28 आ जाएगा, सी का एक्चुअल पोजीशन 3, इसमें यदि मैं 26 ऐड कर दूं तो ये 29 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर आप एक और पोजीशन पूछ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें 26 ही तो ऐड करना है, और इसमें जब मैं 26 ऐड करूंगा तो 6 जो 26 32 हो जाएगा। तो इसका लेफ्ट से पोजीशन 1 भी है, 27 भी है। अगर मैं इसका राइट से पोजीशन पूछो तो आप क्या बोलोगे कि सर राइट से पोजीशन जब आप पूछिएगा तो राइट वाला पोजीशन कैसे निकालना, आपने सिखाया था 27 में से एक एक्चुअल पोजीशन को घटा देना है, तो राइट से तो ये 26 होगा, 27 तो ये लेफ्ट से है, किसके अकॉर्डिंग, रिसाइकिल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जैसे ये लेफ्ट से कितना है 6 भी, और 6 जोड़ 26 32 भी, लेकिन ये राइट से कितना है, तो राइट से पोजीशन निकालने के लिए आपने क्या बताया था, 27 में से लेफ्ट वाला पोजीशन निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 21। तो ये था रिसाइकिल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब यदि मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में बिहार एसएससी के लिए आपको बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे अगर मैं दूं टी वाई पीई बराबर भी डब्लू आर सी, और आपसे पूछूं एच ई आर ई बराबर व्हाट, तो आप क्या बोलोगे। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में यही करना होता है, इतना तो आप जानते भी हैं, ठीक है, लेकिन चलिए जब लेकर चल रहे हैं तो एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। तो क्या करना है कि टी का पहले तो पोजीशन याद होना चाहिए, टी का पोजीशन कितना है 20, वाई कितना है 25, ये 16, ये 5। हाँ, ये बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको एग्जाम में ऐसे पोजीशन लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है, आपको देखना ये है
कि टी किस तरीके से ये टाइप जो है, टाइप में क्या ऐसा हुआ कि टाइप बदल गया डब्ल्यू भी आर सी में, यानी टी वाई पी ई बदल गया डब्ल्यू भी डब्ल्यू आर सी में, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, तो देखेंगे। तो अब पोजीशन लिखना नहीं है, ऐसे ही देखना है कि ये 20 है, ये 22 है, ये 20, ये 22, यानी इसमें प्लस 2 हुआ होगा, ये 25, ये 23, यानी इसमें माइनस 2 हुआ होगा, ये प्लस 2 हुआ होगा, और ये क्या हुआ होगा भाई, माइनस 2 हुआ होगा। यानी हमें समझ में आ गया, ये पहला इसमें कैसे चेंज किया, दूसरा इसमें कैसे चेंज किया, इस तरह से आपको सोचना है। जैसे ही आप सोचोगे आपको लगेगा कि एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, और वो जो फिक्स्ड पैटर्न बनेगा उसी पैटर्न को अगर आप नीचे अप्लाई कर दोगे तो h माइनस 2 कितना होगा भाई, 8, यानी कि h प्लस 2 करना है ना, पहले प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा बाबू, 8 2 10 10 यानी कि j, 5 माइनस 2 2 यानी कि c, आर प्लस 2 ये 20 यानी कि टी, और ये 5 माइनस 2 क्या सी, ठीक है। तो यही कोडिंग में डिकोडिंग में करना है इस तरफ। चलिए अब आपको बिहार एसएससी के लिए कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना क्या क्या है, मेन बात तो ये आ जाती है कि भाई पढ़ना क्या क्या है। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना है, एक कोडिंग डिकोडिंग में जो टाइप्स आपको पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपको, एक नंबर में लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग, मतलब दोनों साइड लेटर होगा। एक पढ़ना है लेटर टू डिजिट, यानी एक साइड लेटर होगा, एक साइड डिजिट। एक पढ़ना है लेटर टू सिंबल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका ये दोनों वीवीआई होगा, लेटर टू लेटर और लेटर टू डिजिट। उसके बाद आपको पढ़ना है वर्ड टू वर्ड, और फिर फाइनली पढ़ना है सेंटेंस टू सेंटेंस। ये पांच टाइप यदि आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टाइप लेटर टू लेटर से। लेटर टू लेटर क्या होगा, जैसे दोनों साइड अगर लेटर ही है, अगर बोर्ड बराबर मैं बोलूं बी डी ओ आर, तो आप क्या बोलोगे, इधर भी लेटर इधर भी लेटर, मतलब ये टाइप कौन सा है, लेटर लेटर। लेकिन यही बोर्ड बराबर यदि मैं बोलूं कि बोर्ड बराबर है 2 15 18 4 2 15 18 4, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये लेटर टू डिजिट है। ये क्या है भाई, लेटर टू डिजिट है, ठीक है। बोलिए, हो गया क्या, आगे बढ़ा जाए। चल तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटर टू लेटर से। अब लेटर टू लेटर में आपको तीन टाइप पढ़ने हैं। लेटर टू लेटर में क्या क्या पढ़ना है बाबू, तीन टाइप पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर। दूसरा क्या पढ़ना है, चेंज इन वैरायटी। ये लेटर टू लेटर का टाइप है ना, चेंज इन वैरायटी। और तीसरा पढ़ना है चेंज इन पोजीशन या प्लेस। सारे के कुछ कुछ रूल होंगे, लेकिन उससे पहले हम किसी और चीज पे चर्चा कर लें। चर्चा इस बात पे करनी है कि कोडिंग डिकोडिंग में दो बातें होती हैं, एक होता है भाई पैटर्न और एक होता है रूल।
रूल देखो, रूल जो है ना भाई वो अनलिमिटेड है। रूल पर आप बाउंड्री सेट नहीं कर सकते हैं, रूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे भाई मेरे मित्र कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न फिक्स है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल होगा तो दो या तीन पैटर्न पर ही पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में तीन ही पैटर्न वर्क करते हैं। अब उस तीन पैटर्न में दो आपका खासा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो वैसे तीसरा भी है, क्योंकि तीसरा आपका मेरिट बनवाएगा, है ना। अगर आपके एग्जाम में थर्ड पैटर्न का क्वेश्चन आ गया बिहार एसएससी में, जिसकी संभावनाएं काफी कम है, तो आप समझो कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ कर आते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल का कोडिंग डिकोडिंग माना जाता है। तो वहां पे आपका क्या होगा कि आपका वो मेरिट बनाएगा। और अगर आपको फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न के सवाल में ही दिक्कत है तो मेरिट तो दूर की बात है, आप तो मेंस क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पीटी में ही रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, रीजनिंग बड़ा रोल प्ले करेगा बिहार एसएससी में। 50 मार्क्स अगर आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ दोगे तो 50 आउट ऑफ 50 थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा नहीं है लाया नहीं जा सकता है, लाया जा सकता है, किया जा सकता है, बट वो आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा। लेकिन 50 में अगर 47 प्लस भी आप जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और ये किया जा सकता है। मैथ और रीजनिंग दो ऐसा पेपर है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। और अभी का तो जीएस आप समझ ही रहे हो कि इसका कोई ये ही नहीं है। पैटर्न, आप पैटर्न समझिए, जैसे पैटर्न तीन तरीके का होता है। अगर मैं रूल अनलिमिटेड है, रूल पे बाउंड्री सेट नहीं किया जा सकता, लेकिन पैटर्न पे बाउंड्री सेट किया जा सकता है। यदि मैं फर्स्ट पैटर्न की बात करूं, ठीक, देखो हमने फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न दोनों एक साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, थोड़ा समझना है इसको अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका बेस बढ़िया नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है कि 5-10 सवाल प्रैक्टिस कर लेने से और सेट प्रैक्टिस कर लेने से आपका रीजनिंग बढ़िया हो जाएगा। आपको बेस स्ट्रांग करना ही होगा, और जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ही आप सवाल को किसी भी वे में घुमा पाइएगा। तो समझना है, यदि मैं बोलूं कि स्पोर्ट बराबर ठीक है क्या, और आपसे पूछूं मेटल बराबर व्हाट, और यहां पे लिखूं स्पोर्ट बराबर और मेटल बराबर व्हाट, तो आप यहां क्या देखते हैं, देखिए ये एस में कुछ करेगा तो इस एस को, या तो कुछ करके इस एस का जो होगा कॉरेस्पोंडिंग लेटर उसको या तो शुरू में लिखेगा या कहां लिखेगा, लास्ट में। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं तो आप देखिए एस जोड़ तीन 19 जोड़ 3 और एस को कहां लिखा है स्टार्टिंग में 16 3 19 16 और प्लस 3 19 फिर 15 और 3 कितना 18। तो सब लेटर में क्या कर रहा है, 3 3 जोड़ रहा है और उसको उस लेटर के सामने लिखते चला जा रहा है। यानी एक नंबर वाले लेटर को एक नंबर में, दो नंबर वाले को दो नंबर में, तीन वाले को तीन नंबर में, एंड सो ऑन। लेकिन जब आप यहां देखिएगा तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां जब आप स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देखिएगा तो यहां पे प्लस 5 हुआ, फिर 16 और कितना
6 22 हो गया, फिर यहां पे क्या हुआ +4 हो गया, फिर क्या हो गया +2 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि +5 +6 +4 +2, ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, यानी ये एक सिस्टम में नहीं जा रहा है। और जब ये सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है, अनसिस्टमैटिक है, तो आप बोलेंगे कि इस तरह का पैटर्न, इस तरह का रूल तो होता ही नहीं है, ऐसा कोई रूल होगा क्या? तो हम तुरंत क्या करेंगे कि अभी आपने क्या देखा है, शुरू वाले को शुरू में, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई कि शुरू वाले में को जोड़ के और उसको शुरू में ना लिखा जाए, कहां लिखा जाए, लास्ट में। तो यदि मैं शुरू वाले को लास्ट में देखूं तो ये 19 और 4 23, ये 16 और 4 कितना 20, ये 15 और 4 कितना 19, ये 18 और 4 कितना 22, और ये 20 और 4 कितना 24। अब आप ध्यान से देखो, यही है फर्स्ट और सेकंड पैटर्न। क्योंकि अगर आप रूल देखोगे तो रूल क्या कहता है कि सारे में +3 +3, यानी एक ही संख्या बार बार जुटते चली जा रही है। और यहां भी तो आप वही बोलोगे कि एक ही संख्या बार बार जुड़ते चले जा रही है, फिर दोनों में अंतर क्या है? रूल तो सेम हो गया कि एक ही संख्या, कोई फिक्स नंबर बार बार ऐड होते चला जा रहा है, तो फिर डिफर क्या हुआ? तो डिफरेंस ये आया सर कि इसमें जोड़कर शुरू वाले को कहां लिखा है? शुरू में, स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में, और इसमें स्टार्टिंग वाले को कहां लिखा है? लास्ट में। यही तो आपका पैटर्न है। अरे भाई, क्या जोड़ेगा क्या घटाएगा, इसका कोई लिमिटेशन है? नहीं है। लेकिन कुछ भी जोड़ेगा या घटाएगा तो जोड़ और घटाकर दो ही काम करेगा। क्या क्या करेगा? या तो स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में लिखेगा, अन्यथा स्टार्टिंग वाले को कहां लिखा जाएगा? लास्ट में। जब स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में लिखेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट पैटर्न है, और जब स्टार्टिंग वाले को लास्ट में लिखेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सेकंड पैटर्न है। समझ में आ गया क्या? तो आप बोलेंगे थर्ड पैटर्न क्या होता है सर, तो आइए उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले इसका आंसर कर लिया जाए। आंसर तो आप लोग बना ही लोगे, क्या इसको 3 3 जोड़ना है और स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में लिखना है। तो 13 3 क्या 16, 5 3 8, 20 और 3 23, 1 और 3 4, 12 और 3 15, ओ हो जाएगा। यहाँ 4 4 जोड़ना है, लेकिन यहाँ शुरू वाले को शुरू में नहीं लिखना है भाई साहब, तो कहाँ लिखना है सर? तो स्टार्टिंग वाले को लास्ट में लिखना है, और जब लास्ट में लिखेंगे तो 13 4 17, ये आपका 5 4 9 आई, ये 20 4 24 एक्स, ये 5 ई, और ये आपका हो जाएगा 12 4 16, यानी कि पी। ठीक है। अब यदि मैं थर्ड पैटर्न की बात करूं तो थर्ड पैटर्न में क्या होगा मेरे मित्र, कि इसमें आपको बांटा जाएगा लेटर को। लेटर को क्या करा जाएगा? बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि ये बिहार एसएससी का क्लास है, तो हम इसमें जो लेबल होगा हमारा वो बिहार एसएससी का ही तक ही होगा। ठीक ना? बहुत सारे बच्चे ऐसा समझने लगते हैं कि ये पूरा फाउंडेशन रीजनिंग है, और इसको कर लेने से बैंक वगैरह का भी सवाल बनना पड़ेगा, बनने लगेगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ये बिहार एसएससी का कोर्स है, तो बिहार एसएससी तक ही सीमित रखिए। इससे सीजीएल का भी सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो मुश्किल है कहना, बैंक तो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है, समझ में? ओरिजिनल लेवल जानना है तो फाउंडेशन में आइए कि क्या चीज होता है। ये बिहार एसएससी का बैच है, यहाँ बिहार एसएससी तक खुद को सीमित रखिए। चलिए ठीक है। थर्ड पैटर्न में हम लोग बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? तो अगर 4 लेटर है तो इसको ग्रुप में बांट देंगे, 2 2 के 2 ग्रुप में। यदि 5 लेटर है तो 2 2 का 2 ग्रुप बना देंगे, बीच में एक अकेला छोड़ देंगे। यदि 6 लेटर है तो 2 2 का कितना ग्रुप बनाएंगे, 3 ग्रुप बना देंगे, 2 2 का 3 ग्रुप, या फिर 3 3 का 2 ग्रुप भी हम बना सकते हैं। यदि हमारे पास 7 लेटर का वर्ड है
तो तीन तीन लेटर का दो ग्रुप बनाएंगे और बीच में एक लेटर को अकेला छोड़ देंगे। आठ आठ या नौ नौ का ग्रुप है तो आप क्या करेंगे, चार चार का दो बनाएंगे और बीच में एक अकेला छोड़ देंगे। नौ है तो तीन तीन का भी तीन बन सकता है, ठीक है। कहने का मतलब कितना का ग्रुप बनेगा ये तो सेकेंडरी मैटर है, कहना क्या है कि थर्ड पैटर्न में हम लोग लेटर को बांट देते हैं। समझ में आ रहा है क्या जी? कैसे बांटेंगे सर? तो ऐसे बांटते हैं बाबू, कैसे? ऐसे यदि मैं एग्जांपल लूं, वर्कर, वर्कर बराबर यदि मैं दूं आपको तो जब आप इसको बनाओगे तो इसमें भाई ये तो तय है कि कुछ जोड़ा होगा या कुछ घटाया होगा। अब क्या जोड़ा क्या घटाया ये बताना पॉसिबल थोड़े ना है, ये तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या जोड़ेगा क्या घटाएगा इसका लिमिटेशन तो है नहीं मेरे मित्र, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि सर कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाए, जोड़ घटाकर स्टार्टिंग वाले को या तो स्टार्टिंग में लिखेगा या कहां लिखेगा, लास्ट में, दो ही काम करेगा। अब जब हम बनाने गए तो ना स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग में कुछ समझ में आ रहा था ना स्टार्टिंग वाला लास्ट में, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा देर समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग सीधा क्या करेंगे कि इसको बांटने का प्रयास करेंगे। छह लेटर है तो दो दो का तीन ग्रुप या तीन तीन का दो ग्रुप। अब जैसे हम तीन तीन में बांटे, तो जैसे ही तीन तीन में आपने बांटा ना, ये सब ये जो है ये दो सवाल बन गया, आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन स्प्लिट कर गया टू पार्ट्स में, यानी वहां पे दो अलग अलग सवाल बन गए। कैसा कैसे? तो एक तो आपका बन गया डब्ल्यू ओ आर बराबर यू आर जेड, और एक सवाल बन गया के ई आर बराबर क्या बाबू, जे सी ओ, ठीक है। अब अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो क्या हो रहा है जरा समझिएगा। जैसे अब अगर हमको डब्ल्यू ओ आर का रिलेशन देखना है तो हम इसको माइंड में ही नहीं लाएंगे, हमारे माइंड में क्या चलेगा, यू आर जेड। और जब यू आर जेड चलेगा तो ये देखो डब्ल्यू में अगर हम तीन जोड़ दें तो 21 और 23 और 3 26, और ये देखो ये स्टार्टिंग वाला जोड़ के, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टार्टिंग वाले को जोड़ेगा या घटाएगा तो दो ही काम करेगा, या तो शुरू में लिखेगा या लास्ट में लिखेगा मेरे भाई। अब इसका शुरू ये है और इसका लास्ट ये है, क्योंकि अब तो इससे हमको मतलब ही नहीं है। जैसे ही आपने कण बांटा बांटा तो अब इस दोनों से क्या मतलब है, अब तो डब्ल्यू ओ आर के लिए स्टार्टिंग यू होगा, अंत क्या होगा, जेड, तो इसको लिख रहा है अंत में। फिर 15 3 18 सेकेंड लास्ट में, और लास्ट वाले को फर्स्ट में। और जब अब इसको देखेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ के माइनस वन करा क्या लिखा जे, और इस बार शुरू वाले को कहाँ ले जा रहा है, शुरू में, इसमें स्टार्टिंग वाले को लास्ट में ले गया था, इसमें ले जा रहा है शुरू में, ई माइनस टू सी, और 18 - 3 क्या 15, ठीक है, बोलिए। तो ये तीन पैटर्न है। रूल आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि रूल का कोई ये थोड़े है। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं, अपने आप को लेकर चलते हैं कहां, प्रैक्टिस सेशन पे, ठीक है। देखिए
दिख ही रहा होगा। पहला जो टाइप है चेंज इन नंबर का, तो चेंज इन नंबर आपको ध्यान रखना है कि दो तरीके का होता है। चेंज इन नंबर कितने तरीके का होगा बाबू? दो, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज कब होगा? देखिए, जब इधर चार लेटर है और इधर लेटर का संख्या घट गया, जो बैंक का कोड दिया गया है तो कोड साइड जो है वो लेटर का संख्या क्या हो गया? घट गया। और जब लेटर का संख्या घट गया कोड साइड, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? डिक्रीज। बोलिए, इसको क्या कहेंगे? डिक्रीज। और जब इधर देखो, जैसे कि इस सवाल में यहां लेटर है कितना? पांच, और इधर लेटर बढ़ गया, तो जो पिंकी का कोड दिया गया है तो कोड साइड लेटर का संख्या ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? इंक्रीज। जब इंक्रीज होगा ना तो उसमें आपको जोड़ घटाव नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि इंक्रीज का जब सवाल होगा तो उसमें प्लस माइनस करना है कि नहीं? नहीं करना है। क्या देखना है? पड़ोसी। लेकिन जब डिक्रीज का सवाल होगा तो उसमें आपको प्लस माइनस ही करना है, ठीक है? बात आ रही है समझ में? जैसे ये डिक्रीज का सवाल है तो इसमें हम प्लस माइनस ही करेंगे। कैसे करेंगे बाबू? एक बात समझिए, ये दो है, ये एक है, ये 14 है और ये 11 है, और ये आपका 13 है, ये आपका 15 है। अब आप ही सोचो कि ये जो बैंक बराबर दिया गया है, ये जो बैंक बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? 13, 15, ये कैसे मिलेगा? तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर अगर शुरू और लास्ट वाले को जोड़ दिया जाए तो 2 + 11 = क्या हो जाएंगे? 13। और यदि दो नंबर और चार नंबर वाले को, सॉरी, शुरू और अंत वाले को जोड़ दिया जाए और उसको लिख दिया जाए स्टार्टिंग में, और फिर दो और तीन नंबर वाले को जोड़ के लिख दिया जाए बाद में, तो ये प्राप्त हो जाएगा। सेम काम यहां कर देंगे तो शुरू और अंत वाले को जोड़ के लिखेंगे भाई साहब, तो 6 + 5 = 11, 11 यानी कि के, और ये दोनों को जोड़ के अगर लास्ट में लिखेंगे तो 18, 9, 27। और आपने अभी सीखा है कि 27 का मतलब क्या होता है? एक। तो एक बोलिए या 27 बोलिए, सेम चीज, आंसर क्या हो जाएगा? के ए। क्लियर है क्या? इसमें पड़ोसी देखना है, ठीक है? दो नंबर में क्या देखना है? पड़ोसी। तो अगर हम पड़ोसी पे चर्चा करें तो देखिए पी का पड़ोसी क्या क्या है पी के लिए। तो अगर आप देखोगे, अच्छा पैटर्न कितने तरीके का होता है ये मैंने पहले ही डील कर दिया है कि बाबू मेरे कुछ भी करेगा तो दो ही चीज होगा ना, या तो शुरू वाले को कहां लिखेगा भाई, या तो शुरू वाले को सर शुरू में लिखेगा या लास्ट में लिखेगा। अब पी है, और पी के लिए देखिए इधर पांच है और इधर कितना लेटर है भाई? इधर पांच है और इधर आपका लेटर का संख्या 10 है। इसका मतलब साफ है कि एक लेटर के बदले कितना लेटर आया है मेरे मित्र? 2 लेटर। अब पी का पड़ोसी क्या क्या है? तो पी के लिए अगर हम आगे देखेंगे तो पी के आगे QR आएगा, अगर हम 2 लेटर पीछे का देखें तो पी के पीछे आएगा N और O, और अगर हम एक पीछे एक आगे का देखें तो पी के पीछे ओ, पी के आगे क्यू। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग में ना QR दिख रहा है, ना एन ओ, ना ओ क्यू, लेकिन लास्ट में अगर आप जाइएगा तो देखिए ओ क्यू नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे मित्र कि पी के बदले जो लेटर यूज किया जा रहा है वो कहां जा रहा है? शुरू वाले का लास्ट में। और कैसा लेटर है? तो एक है सर पीछे का और एक है आगे का। अब आई के लिए देखिए, तो आई के पीछे होगा 9, के पीछे 8 और आगे जे। आई के बदले भी 2 लेटर, एक पीछे और एक आगे का, और इसको ले कहां जा रहा है? तो 2 नंबर वाले को सेकंड लास्ट में लिख रहा है। फिर एन के पीछे उसी तरह एम और आगे ओ, के पीछे जे, के आगे एल, वाई के पीछे एक्स, वाई के आगे जेड। उसी तरह अगर हम कर दें तो भी के लिए जो लेटर आएगा वो तो लास्ट में आएगा भाई, है ना?
सबसे पहले तो वाई के लिए आएगा, और वाई के लिए पीछे क्या होगा, वाई के पीछे एक्स, वाई के आगे जेड, फिर डी के लिए आएगा, डी के पीछे क्या होगा भाई, तो डी के पीछे सी, आगे ई, एन के पीछे, एन के पीछे क्या एम, एन के आगे ओ, ए के पीछे, अच्छा ए के पीछे कुछ नहीं होता है। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो बिल्कुल गलत आ रहा है, क्योंकि अब तो आप रिसाइकिल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, और रिसाइकिल कॉन्सेप्ट कहता क्या है, तो रिसाइकिल कॉन्सेप्ट यही तो कहता है मेरे भाई कि एक बार जेड खत्म हुआ तो फिर से एबीसीडी शुरू होगा। तो अगर ए के पीछे जाना है तो ए के पीछे जेड तो खत्म हुआ होगा, तभी तो ए शुरू हुआ होगा। तो ए के पीछे क्या होगा भाई, ए के पीछे जेड, ए के आगे बी, और भी के पीछे यू, भी के आगे डब्लू। ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, एक्स जेड सी ई एम ओ जेड बी यू डब्लू? सर ये तो पहला ही ऑप्शन में दिख गया, ठीक है। तो इस तरह से डिक्रीज के सवाल में जोड़ घटाओ, इंक्रीज के सवाल में पड़ोसी, ये था पहला टाइप आपका, ठीक है। दूसरा टाइप हम लोगों को क्या पढ़ना है, चेंज इन वैरायटी, ठीक है। तो अगला टारगेट हम लोगों का चेंज इन वैरायटी है। आप लोगों ने चेंज इन पोजीशन को समझा, सॉरी चेंज इन नंबर को समझा, साथ ही साथ आप लोगों ने पैटर्न को समझा। चेंज इन वैरायटी में भी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि चेंज इन वैरायटी का मतलब होता है प्लस माइनस, यानी इसमें प्लस माइनस का यूज होगा, किसी लेटर में कुछ जुटेगा या कुछ घटेगा। अब जब जुटेगा या घटेगा तो आप पैटर्न समझते हैं कि पैटर्न तीन तरीके के होते हैं, जिसमें आपको मेनली दो पैटर्न को समझना है, क्योंकि दो पैटर्न से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन होंगे। थर्ड पैटर्न से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, और बिहार एसएससी में उतने हाई लेवल के सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे। तो मेनली फोकस करना है कहां पे बाबू, फर्स्ट और सेकंड पैटर्न पे, यानी जोड़ेगा और घटाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन जोड़कर या घटाकर स्टार्टिंग वाले को या तो स्टार्टिंग में लिखेगा या स्टार्टिंग वाले को कहां लिखेगा, लास्ट में। फर्स्ट पैटर्न में शुरू वाला शुरू में, और सेकंड पैटर्न में शुरू वाला लास्ट में। लेकिन ये ध्यान देना है कि जोड़ेगा और घटाएगा तो कुछ भी तो जोड़ घटा सकता नहीं है, जब वो जोड़ेगा तो उसका भी एक डेफिनेट पैटर्न बनना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है भाई इसमें जोड़ घटाव होगा, मैंने एक वर्ड लिया कार्बन, तो अब कार्बन में जोड़ेगा तो ऐसा थोड़े ना है कि एक बार 13 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, फिर 8 घटा दिया, फिर 7 जोड़ दिया। तो ये भी जोड़ घटाव है, लेकिन क्या इसका कोई पैटर्न बन रहा है, तो इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न ही नहीं बन रहा है। लेकिन यही हम बोले एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, क्योंकि आप आगे बोल सकते हैं कि सर एक दो तीन चार जुटा तो उसके आगे 5 जुड़ेगा, फिर 6 ऐड होगा, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है भाई, तो आप इसमें तो बता ही नहीं सकते कि आगे क्या जुटेगा, ठीक है। तो भाई जोड़ घटाव भी होगा तो वो एक उसका एक डेफिनेट वे होगा, ये नहीं कि जैसे तैसे जोड़ या घटा देगा, ठीक है। और जोड़ घटा के करेगा क्या, तो सी में 1 जोड़कर या तो स्टार्टिंग में लिखेगा या फिर कहां लिखेगा, लास्ट में। यही तो आपको चेक करना है पैटर्न के अंदर, ठीक है। मान लो कि हमने एक वर्ड दिया मेटल, मान लिया जाए। अब अगर आप इसको स्टार्टिंग में देख रहे हैं, यहां 5 लेटर होगा, तो अगर आप शुरू वाले को शुरू में देख रहे हैं, 2 नंबर वाले को 2 नंबर में देख रहे हैं, तो आपको पहले मिला +15, फिर मिला -5, फिर 3 नंबर वाले को 3 नंबर में देख रहे हैं तो आपको मिला +2। तो अब आप ही
सोचो, लेकिन अगर आप शुरू वाले को लास्ट में देख रहे हैं तो पहले मिला प्लस फाइव, फिर दो नंबर वाले नंबर में देख रहे हैं तो मिला प्लस सेवन, तीन नंबर वाले को थर्ड लास्ट में देख रहे हैं तो प्लस नाइन। तो आप ही सोचो कि इसमें अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो आपको तो कोई फिक्स पैटर्न मिल नहीं रहा है, जैसे तैसे हो जा रहा है, जिगजैग पाथ पे कुछ भी हो जा रहा है। लेकिन जब आप, तो आपको क्या करना चाहिए कि जब आप स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देख रहे हैं और जो जोड़ घटाव हो रहा है उसका कोई वे नहीं है, जैसे तैसे हो रहा है, तो आपको तुरंत फोकस करना चाहिए शुरू वाले को कहां लास्ट में। और जब शुरू वाला लास्ट में देख रहे हैं आप और ये एक फिक्स्ड वे में बढ़ रहा है आगे, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा सेकंड पैटर्न पे ये सवाल है और इसमें शुरू वाले को कहां देखना है भाई, लास्ट में देखना है। ठीक है क्या? चलिए ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है चेंज इन वैरायटी में कि प्लस माइनस होगा। कैसे पता करेंगे कि चेंज इन वैरायटी है? तो बस सिंपल सा तरीका है कि इधर पांच लेटर है तो इधर भी पांच लेटर होगा, और इधर का पांच लेटर और इधर का पांच लेटर दोनों सेम सेम नहीं होगा। एक आध लेटर सेम हो जाए वो अलग बात है, जब दोनों साइड लेटर का संख्या बराबर हो और इधर का सारा लेटर इधर दिखाई ना दे, एक आध दिखाई दे दे वो अलग बात है। तो आपको तुरंत समझ जाना है मेरे भाई कि चेंज इन वैरायटी का सवाल है और इसमें आपको जोड़ घटाव लगाना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीन से पांच क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेंगे आपके। तो हम लोग देखते हैं हो क्या रहा है। पहला सवाल आप देख रहे हैं, पोजीशन आपको याद होना चाहिए, ये है 18, ये है कितना 21, ये है 18, ये 1 और ये 12, ये है आपका 22, ये 25, ये 22, ये 5 और ये 16। एक चीज तो तय है कि ये चेंज इन वैरायटी का सवाल है। दूसरा चीज आपके माइंड में ये भी घूम रहा होगा कि यहाँ प्लस माइनस ही होना है, और तीसरा काम आपके मन में ये घूम रहा होगा कि जो प्लस माइनस होगा उसमें दो ही चीज होगा, शुरू वाला या तो जोड़ घट के शुरू में जाएगा या शुरू वाला कहाँ जाएगा लास्ट में। यदि मैं शुरू वाले को शुरू में देखूं तो भाई यहाँ शुरू वाले को शुरू में देखोगे तो क्या दिख रहा है बता दो, 18 जोड़ 4 22, प्लस 4 दिख रहा होगा बाबू, 21 जोड़ 4 25, फिर 18 जोड़ 4 22, फिर 1 जोड़ 4 5 और फिर 12 जोड़ 4 16। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, ये जो जुट रहा है ये एक फिक्स वे में चल रहा है। अगर इसका वे फिक्स नहीं होता तो हम लोग शुरू वाले को कहां देखते भाई, लास्ट में। लेकिन अभी क्या शुरू वाले को लास्ट में देखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि ये फिक्स वे में चल रहा है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसका जवाब कर देंगे, इसमें भी सब में 4 4 जोड़ देंगे और शुरू वाले को शुरू में लिखेंगे तो 18 4 22, 5 4 9 I, 13 4 17 Q, 15 4 19 S, 20 4 24 X और 5 4 9 I, VIQSXI, VIQSXI यानी C नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लिया जी, जगह है तो क्या ही दिक्कत। अब देखो इसमें साइट का कूट क्या दे रखा है, साइट का कूट दे रखा है भी एफ भी टी यू जी, ये एफ भी यू टी जी ना हम वहां से यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये साइट बराबर क्या दे रखा है बाबू, साइट बराबर देख रहा है एफ भी टी यू जी, यहाँ पे करने में सुविधा होगा तो हमने यहां से इसको हटाकर कहां लिख लिया, यहां पे लिख लिया। अब अगर मैं देखूं, ठीक है भाई देखूं, तो दो चीज हो रहा है यहां। एक चीज आपने और सीखा था क्या कि ये देखो, ये अगर स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देखें तो ये -13 हो रहा है,
19 माइनस 13 6, ये प्लस 13 जा रहा है। 19 और 13 क्या 22, सॉरी ये 9 और 13 कितना 22, ये भाई आपका कितना है प्लस 13। अगर मैं शुरू वाले को शुरू में देखूं, फिर 7 और 13 कितना 20, फिर 8 और 13 कितना 21, तो ये सब प्लस 13 13 हो रहा है। स्टार्टिंग वाला सिर्फ माइनस 13 हुआ है, लेकिन ये आप अगर ऐसे सोचे कि सर एफ तो आपका 6 भी है और रिसाइकिल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था उससे तो 32 भी है, और जब इसे हम लोग 32 एज्यूम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सर 19 जोड़ 13 32 तो हो ही जाएगा, और ये आपका 7 भी है और 7 जोड़ 13 7 जोड़ 26 33 भी है, रिसाइकिल कॉन्सेप्ट से याद होगा आपको, तो ये 20 में भी जब 13 ऐड करेंगे तो 33 हो ही जाएगा सर। यानी सब में कितना ऐड हो रहा है मेरे मित्र, 13 13 ऐड हो रहा है बाबू, और 13 13 ऐड हो रहा है तो एक फिक्स पैटर्न है। अब हमें शुरू वाला लास्ट में देखने की नीड नहीं है, वो कब देखते जब यहाँ पे एक फिक्स्ड वे में नहीं बढ़ता, तो अब हम शुरू वाले को लास्ट में देखेंगे ही नहीं। अब यहाँ सेम काम कर दें तो 18 जोड़ 13 18 जोड़ 13 आपका कितना हो जाएगा बाबू, 31 हो जाएगा, 31 यानी कि ई आ जाएगा, क्योंकि ई आपका 5 भी है और 5 जोड़ 26 31 भी है, ये आपका दोनों है। फिर इसमें 13 जोड़ेंगे तो 13 5 18 आर हो जाएगा, ये 22 में 13 जोड़ेंगे तो 22 जोड़ 13 कितना हो जाएगा बता दो, 22 और 3 25 और 10 35 35 यानी कि आई आई आपका 9 भी है और 35 भी है क्या। फिर 5 जोड़ 18 आर, 5 जोड़ 13 18, 1 जोड़ 13 14 और 12 13 25 वाई, यानी आपका आंसर हो जाएगा ई आर आई आर एन वाई, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये बोला कि एक निश्चित कूट भाषा में बैंड को जे जे के क्यू सी सी लिखा जाता है, ठीक है भाई। अब अगर इस सवाल को हम बनाएं और स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देखें, तो स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये 8 2 10, ये 1 और 9 10, ये 14 माइनस 3 11, देख रहे हो, ये 7 और ये 10 17। अब आप ही बताओ क्या ये कोई फिक्स्ड वे है, जुड़ रहा है घट रहा है, इसमें डाउट नहीं है, है ना। लेकिन जब हम लोग जोड़ घटा के स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड जो जोड़ने और घटाने का क्रम है उसमें कोई एक डेफिनेट वे ही नहीं है, जैसे तैसे जुट रहा है। तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, समय नहीं गवाएंगे, शुरू वाले को कहां देखेंगे, लास्ट में, और जब शुरू वाले को लास्ट में देखेंगे तो बी प्लस वन सी, फिर 1 जोड़ 2 3 हो जाएगा भाई, 14 और 3 17 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, पोजीशन आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना एक फिक्स वे हो गया, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और शुरू वाला कहाँ, लास्ट में, क्योंकि शुरू वाले को शुरू में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है आपको तो दिख रहा है। तो यहाँ भी देखो 20 और 1 21, शुरू वाले को लास्ट में देखा जाए तो 9 2 11, 12 और 3 क्या 15, 20 और 4 कितना 24 और 19 और 5 कितना 24। तो सेम काम अगर किया जाए तो भाई क्या होगा बता दो, 20 19 और 1 कितना 20, एक
19 और 1 कितना 20, शुरू वाला लास्ट में जाएगा, 20 और 2 22, 18 3 21, 1 और 4 5, और 20 और 25 और 5 30, 30 यानी कि डी, 30 यानी कि क्या डी, तो डी ई यू भी टी, ये आपका क्या हो जाएगा मित्र आंसर। ठीक है बाबू, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। 6 नंबर, बीट बराबर दिया है जीआईडी भी, अब इसमें क्या करना है देखिए जरा। अगर हम शुरू वाले को शुरू में देखा जाए तो आप समझिए ये है आपका 2 और 5, 2 और 5 कितना है 7 है, ये 5 और 4 9 है, ये 1 और 3 4 है, और ये 20 और 2 22 है। ठीक है, +2 +3 +4 +5, ठीक है ना। हाँ तो देखते हैं, 19 जोड़ 5 करेंगे 24 आएगा, एक्स होगा, 15 4 19 एस होगा, 21 और 3 24 एक्स होगा, और 16 2 18 आर होगा, यानी एक्स एस एक्स आर, एक्स एस एक्स आर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है देखा जाए, अगर इसमें भी स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये आपका 3 है, और यहाँ पे ये आपका अगर स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देखिएगा तो +6, ये फिर आपका हो जाएगा +5। ठीक, ये आपका हो जाएगा +4, 14 4 18, ये +3 15 3 18, और ये +2, तो पैटर्न तो ठीक वे में जा रहा है, +6 +5 +4 +3 +2, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ भी अगर हम लोग करें तो 13 6 19, यानी स्टार्टिंग में आना चाहिए क्या भाई, एस आना चाहिए, एस आना चाहिए, एक ऑप्शन में दिख रहा है, 21 और 5 26 जेड, 19 और 5 24 एक्स, 9 और 3 12 एल, और 3 और 2 5 ई, यानी हमारा आंसर होना चाहिए एस जेड एक्स एल ई, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुछ सॉरी यहाँ पे तो 19 4 23 होगा ना, यहाँ तो 19 और 4 23 ही होगा, एस एक्स एस जेड डब्लू, एस जेड एक्स नहीं एस जेड डब्लू, क्योंकि 19 और 4 23 ही होता है। ठीक है, तो ये भी मिल रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर कोई फिक्स्ड वे नहीं होता तो हम लोग ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते, तुरंत शुरू वाले को कहाँ देखते, लास्ट में देखते, उस पे भी नहीं बनता तो फिर थर्ड पैटर्न की बारी आती, दोनों को क्या करते, बांट देते। यहां देखते हैं, ये आपका +3 है, ये आपका 18 -3, ये आपका फिर से +3 है क्या, और ये आपका फिर से -3 है, पोजीशन याद होगा आपको, 16 3 19 होता है, 18 -3 15 होता है, 1 3 4 13 -3 10, फिर 15 3 18, और ये फिर 4 -3 1, यानी ये +3 -3 +3 -3 हो रहा है,
सेम काम कर दिया जाए तो प्लस तीन करेंगे तो 11 3 14 n 5 - 3 2 यानी कि भी 19 3 22 22 यानी कि भी 8 - 3 8 - 3 5 1 + 3 4 4 यानी कि डी और 22 - 3 19 यानी कि एस हो जाएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा एन ई भी ई डी एस जो कि ऑप्शन 4 में विकल्प 4 में प्रेजेंट है। तो एकदम इजी है, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब अगर इसमें शुरू वाले को शुरू में देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखो भाई अगर स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देखें तो ये प्लस टू है, ये प्लस थ्री है ना, ये 2 2 4 1 3 4 और ये फिर 19 और 2 21 आ गया, फिर आपका 9 और 3 12 आ गया, फिर आपका 3 और 2 क्या हो गया 5। तो प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री इस तरह से आपका प्रोसीड कर रहा है। तो यहां भी अगर हम सेम काम करें तो 12 2 14 यानी कि n, 5 और 3 8 8 यानी कि h, फिर 1 और 2 3 3 यानी कि c, 4 और 3 7 7 यानी कि g, 5 और 2 7 यानी कि अनदर g, और 18 और 3 21 21 यानी कि u, NHC GGU आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगर इसको स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देखा जाए, ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में अगर देखें तो ये -7 हो रहा है, 19 - 7 12 और ये देखो ये क्या हो रहा है, 19 जुट रहा है, 19 5 24 पहले 7 घटा 19 - 7 12 फिर 19 जुटा, फिर क्या हो गया, फिर 12 - 7 5 ठीक है, और फिर ये 6 19 6 25 फिर से 19 जुटा, फिर ये आपका -7 हुआ और फिर ये +5 19 5 फिर से 24 हुआ। तो इधर से भी पैटर्न बन रहा है, इधर से भी पैटर्न बन रहा है, और इस वाले में अगर आप लास्ट से जाओ, ठीक है, लास्ट से जाओ तो देखो ये है आपका +5 19 5 24 ये आपका है -3 5 - 3 2 फिर ये है आपका +13। तो इधर से पैटर्न नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। फिर ये है क्या -1 तो देखो इस बार हमने बस जस्ट दिखाया कि जब लास्ट में जा रहे हैं तो +5 - 13 + 13 - 1 कब क्या हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम शुरू वाले को लास्ट में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, -7 + 19 - 7 + 19 - 7 + 19 तो यहां भी अगर -7 करा जाए तो 16 में से 7 घटेगा, क्या होगा, 9 9 और 7 16 होता है, 9 9 यानी कि आई, फिर ये 8 में 19 जोड़ेंगे तो 19 और 8 कितना होगा भाई, 19 और 8 27 होगा, 27 यानी कि ए हो जाएगा। ये आपका फिर से -7 करेंगे तो 25 - 7 18 हो जाएगा, 18 7 25 होता है क्या, बिल्कुल होता है। ये +19 करेंगे तो ये होगा 19 19 38 38 का मतलब क्या हुआ, तो इसमें से 26 निकाल लीजिए, 38 में से 26 निकालिएगा ये हो जाएगा कितना 12 12 यानी कि L हो जाएगा।
फिर 9 माइनस 7 दो, दो यानी कि बी हो जाएगा। इसमें 19 जोड़ेंगे तो 19 और 3 22, 22 यानी कि भी हो जाएगा। और फिर इसमें से 7 घटाएंगे तो 19 में से 7 घटाएंगे 12। आई ए आर एल बी, आई ए आर, आई ए आर एल बी भी एल, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -7 + 19, -7 + 19, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये देखो एक स्पेशल है अपोजिट, हमने आपको अपोजिट पढ़ाया था और बताया था कि अगर आपको किसी लेटर का अपोजिट निकालना है तो बाबू क्या करना है, डी जैसे 4 है और आपको 4 का अपोजिट निकालना है तो आप सीधा 27 - 4 कर दो, मन ही मन 27 - 4 करोगे 23, 23 का मतलब डब्लू, यानी डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्लू। इन दोनों का जोड़, दोनों अपोजिट लेटर का जोड़ कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे तो ये सी 3 और x 24, 24 3 27, यानी सी और एक्स उल्टा है क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है भाई, तो दोनों का सम 27 हो रहा है। ये 5 और ये 22, ये दोनों भी क्या है, अपोजिट हो गया। आर 18 और 9 27, 20 और 7 27, 1 और 26 27, तो आप क्या बोलिएगा कि ये अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट लेटर है, अपोजिट लेटर है ना, एक दूसरे का अपोजिट लेटर दिया हुआ है यहाँ पे। और अपोजिट कहाँ दिया हुआ है, तो सर फर्स्ट लेटर का अपोजिट फर्स्ट में ही है, स्टार्टिंग में ही है। तो यहाँ भी अगर हम लोग अपोजिट देखा जाए तो आप बताइए M का अपोजिट क्या होगा मित्र, N होगा। U का अपोजिट क्या होगा, F होगा। N का अपोजिट क्या होगा, M होगा। D का अपोजिट तो 4 और 23 27 यानी कि W होगा। 1 का अपोजिट 1 और 26 27, 14 और 13 27, 22 और 5 27, यानी हमारा आंसर हो जाएगा N F M W Z M V, N F M W Z M V, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अपोजिट था, अपोजिट में भी दोनों पैटर्न चलेगा, स्टार्टिंग वाले का अपोजिट स्टार्टिंग में भी दिया जा सकता है और स्टार्टिंग वाले का अपोजिट लास्ट में भी दिया जा सकता है, तो पैटर्न तो आपको भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिर से एक बार अपोजिट लेटर दिख रहा है हमें, आपको दिख रहा है क्या, अपोजिट, फिर से यहाँ पे अपोजिट है मेरे भाई, अपोजिट, अपोजिट है, फिर से अपोजिट, कैसे अपोजिट है सर, तो आपको दिख रहा होगा कि सर टी का अपोजिट जी, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल, U का अपोजिट F एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये फिर से अपोजिट है और इस बार फिर से स्टार्टिंग वाला कहाँ है, स्टार्टिंग में है, तो G का अपोजिट स्टार्टिंग में लिखना है, G का अपोजिट T होता है, E का अपोजिट क्या होता है, V, N का अपोजिट क्या होता है, M, T भी M, और आप गौर से देखें, चलिए एक और कर लेते हैं, I अपोजिट क्या होता है R, U का अपोजिट क्या होता है F, और S का अपोजिट क्या होता है H। तो यहां से क्लियर है कि आंसर जो है वो एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट यानी दोनों का सम, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ठीक ना। चलिए पिछले वर्ष 2014 में अपोजिट लेटर से यहाँ से एक सवाल भी था बिहार सचिवालय में, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं।
ये क्या है भाई, देखते हैं क्या है। अगर स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देखें तो क्या हो रहा है, देखते हैं जरा। अगर स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग में देखा जाए भाई, तो सर यहाँ 3 है, यहाँ 18 है, प्लस 15 करना होगा। ये 15 है, ये 26 है, यानी प्लस 11 करना होगा। फिर यहाँ प्लस 2 करना होगा, फिर यहाँ 7 और 11 करना होगा, और फिर यहाँ माइनस 11 करना होगा, ठीक है। तो ये कोई ना फिक्स्ड वे में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को फिक्स्ड वे में देखना है, क्योंकि प्लस 15, फिर प्लस 11, फिर प्लस 2, फिर प्लस 11, फिर माइनस 11, ये कोई वे नहीं है। तो अगर कुछ फिक्स्ड वे में देखना है तो क्यों ना शुरू वाले को लास्ट में देखा जाए। और जब शुरू वाले को लास्ट में देखेंगे, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये है आपका सर प्लस 1, और ये है आपका प्लस 3, फिर ये आपका है प्लस 2, फिर ये है आपका बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 7 में कितना जोड़ा जाए, 19 जोड़ा जाए तो जाकर 26 मिलेगा। तो यहां से भी मामला कुछ उतनी क्लियरिटी से क्लियर नहीं हो रहा। तो फिर क्या करा जाए, तो क्यों ना इसको बांट दिया जाए। हाँ, बांट कर देखा जाए क्या, बोलो। अब अगर इसको बांट कर देखते हैं तो क्या होता है भाई, देखते हैं। थर्ड पैटर्न पे इस बार एक बार इसको सोचते हैं। अगर इसको थर्ड पैटर्न पे सोचा जाए तो इसको बांट दिया जाए। अगर इसको बांटते हैं, ठीक है, तो अगर इसको बांटते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। ये अगर 29 या 3, ये 15, ये आपका 7 और ये आपका 15, तो ऐसा हो रहा है क्या कि यहां 15 प्लस 3 18 लास्ट वाला शुरू में आ रहा है, और ये 19 माइनस 3 26, ठीक है, शुरू वाला लास्ट में जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या। फिर यहां भी 7 माइनस 3 4 और 15 प्लस 3 18, और ये बीच वाला बीच में ही रह जा रहा है -2, ठीक है। हमने तो आपको पढ़ाया है कि जब भी ये बटेगा तो बटने के बाद ये दो डिफरेंट सवाल हो जाएगा, है ना। फिर इसको सीओ को इस आरडी से क्या लेना देना भाई, सीओ को सिर्फ और सिर्फ किससे लेना होगा, आरजेड से लेना होगा। क्या यहां भी वो चीज हो रहा है क्या, एक बार देख ही लिया जाए हो रहा है या नहीं हो रहा है। 17 20 माइनस 3 17 18 3 21, ये तो प्लस 2 है, 14 2 16 5 2 7, 27 माइनस 3 24 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है ना। ये 20 माइनस 3 17, ये 18 और 3 21, ये प्लस 2 हो गया। फिर ये 27 अगर है तो 27 माइनस 3 फिर 24, और ये आपका 20 और 3 कितना 23, तो हो रहा है। तो सेम काम अगर कर दिया जाए फोन के साथ तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू, ना शुरू वाला शुरू में कोई पैटर्न बना रहा था, ना शुरू वाला लास्ट में। ये 15 2 17 पहले तो यहाँ बीच में क्यू होना चाहिए, बीच में क्यू तो 3-3 जगह दिख रहा है। ये -3 होकर लास्ट में जाएगा, लेकिन इसके लास्ट में जाएगा, और ये +3 होकर इसके शुरू में आएगा। तो ये 8 3 11 के हो जाएगा, और ये 13 m हो जाएगा। फिर ये -3 होकर लास्ट में जाएगा, तो ये 14 माइनस 3 फिर से 11, और ये 5 3 8, यानी आपका आंसर हो जाएगा KMQHP।
क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ विद्यमान है, ऑप्शन नंबर बी में विराजमान है ना। चलिए बोलिए, समझ पा रहे हैं आप चीजों को ना? स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग में कुछ दिखा ना, स्टार्टिंग कुछ एकदम फिक्स्ड वे में दिख ही नहीं रहा था भाई। तो फिर बांटने का बारी था, सो हमने बांट कर देखा पांच एलिमेंट को कैसे बांटते हैं। ये आप लोग पैटर्न में पहले ही सीख चुके हैं, तो ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये अब ये फिर से अगर हम सात है तो इसको अगर फिर से हम बांट कर देखें, ठीक है, बांट कर देखें, तो देखो भाई कैसे पता चला बांटना ही है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग में देखना होगा, स्टार्टिंग वाला लास्ट में देखना होगा, और जब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं बन रहा हो, जब वो प्लस माइनस जो हो रहा हो उसके वो कैसे हो जा रहा है, इसका कोई नियम न समझ में आए, तो तुरंत हम क्या करेंगे, थर्ड पैटर्न पे वर्क करेंगे। और थर्ड पैटर्न क्या कहता है मेरे भाई, कि सात लेटर है तो तीन तीन का दो ग्रुप बना लो, एक को अकेला छोड़ दो। तो हमने छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे ये देखें तो बी प्लस वन सी आसानी से क्लियर हो रहा है, यू प्लस वन भी, आई प्लस वन जे, प्लस वन हो गया। ये डी प्लस वन क्या हुआ मेरे मित्र, ई हुआ। ई प्लस वन क्या हुआ बाबू, भी हुआ। और R प्लस वन क्या हुआ, S हो गया। और ये L अपने ही जगह पे क्या हो गया, माइनस वन हुआ ना भाई। L माइनस वन करेंगे तभी तो K आएगा। और फिर यहाँ पे सेम वर्क अगर कर दिया जाए, सेम प्रोसेस किया जाए, तो आपको समझ में आना है कि सीलिंग बराबर अगर आपसे पूछ रहा है तो आपने करना क्या है, ठीक। ये माइनस प्लस वन, ये प्लस वन करके कहां जाना है, लास्ट में जाना है। तो एस प्लस वन टी, ई प्लस वन एफ, ए प्लस वन बी, ये तो माइनस वन होगा भाई, तो एल माइनस वन के हो जाएगा। और फिर से ये प्लस वन जब होगा तो आई प्लस वन जे, एन प्लस वन ओ और G प्लस वन एच, यानी आपका आंसर होगा BFT KHOJ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। बोलिए आगे बढ़ा जाए क्या? देखिए इसको, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। चल आइए, ये क्या है भाई, इसमें क्या देखा जा रहा है कि देखो भवेल अपने पोजीशन पे फिक्स है और कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, ये पहला लेटर में प्लस दो ऐड हुआ और ये भवेल है तो ये अपने ही जगह पे फिक्स है, इसमें कुछ नहीं हुआ। फिर ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें प्लस टू हुआ, ये भवेल अपने जगह पे फिक्स है। फिर कॉन्सोनेंट में प्लस टू, ये भवेल अपने जगह पे फिक्स, कॉन्सोनेंट में प्लस टू, भवेल अपने जगह पे फिक्स।
यानी भवेल अपने जगह पे है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है जोड़ घटाओ, और कॉन्सोनेंट में प्लस टू हो रहा है। तो फिर यहाँ पे हम प्लस टू करें तो ये 18, ओ में तो कुछ करना ही नहीं है, ये 19, 2, 21, आई का तो कुछ करना नहीं है, ये 20, 2, 22, आई का तो कुछ करना नहीं है, 22, 2, 24, ई का तो कुछ करना नहीं है। यानी आपका आंसर होगा ROU IVIXE, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है क्या? यानी यहाँ पे क्या हुआ, तो कॉन्सोनेंट में सिर्फ क्या हुआ, प्लस टू, जो कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस टू हुआ, और भवेल जो है वो एज इट इज रह गया, जैसे था वैसे ही रह गया, ठीक है क्या? चल आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये था चेंज इन वैरायटी। अगर आगे बात करी जाए तो आगे हम लोगों को पढ़ना है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है पहले तो हम लोग ये समझेंगे, ठीक है भाई? चेंज इन पोजीशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, चेंज इन पोजीशन या प्लेस, ये ऑब्लिक है, चेंज इन पोजीशन या प्लेस। पहले चेंज इन पोजीशन और प्लेस को पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर सिर्फ लेटर का क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा। और जब सिर्फ लेटर का पोजीशन चेंज होगा तो अगर हमने इधर पे 5 लेटर रखा है स्पार्क, तो आप समझिए कि जब आपको सिर्फ लेटर का पोजीशन ही चेंज करना है तो 5 लेटर इधर भी होगा, 5 लेटर इधर भी होगा। आप बोलेंगे कि सर ऐसा तो आपने चेंज इन वैरायटी में भी बोला था कि जितना इधर लेटर उतना ही इधर लेटर, लेकिन हमने चेंज इन वैरायटी में क्या बोला था कि इधर का सारा लेटर इधर नहीं दिखना चाहिए। दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए मेरे मित्र, मेरे भाई, नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पे आप सोचो, जब सिर्फ लेटर का पोजीशन चेंज करना है तो इधर का 5 लेटर इधर दिखेगा, है ना? बस ए जो लास्ट में है उसको 1 नंबर पे लेके चले आइए, जो सबसे लास्ट में है उसको 2 नंबर पे, इस तरह से कुछ कर दीजिए भाई, है ना? तो आप यहां क्या कहेंगे कि इधर भी 5, इधर भी 5, और इधर का सारा लेटर इधर दिखाई दे रहा है, और जब इधर का A to Z लेटर, सारा का सारा लेटर इधर दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब ही है कि लेटर ने सिर्फ और सिर्फ अपना पोजीशन चेंज करा है, लेटर किसी दूसरे लेटर से चेंज नहीं किया, ठीक है? तो जब इधर का सारा लेटर इधर दिखाई दे तो चेंज इन पोजीशन होगा, और फिर उसमें हम लोग प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेटर अपना स्थान बदला है। जोड़ घटाव तब करते हैं जब लेटर किसी दूसरे लेटर से क्या करता है, रिप्लेस होता है, और जब लेटर किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस होगा तो इधर का सारा लेटर इधर दिखेगा नहीं, मतलब वो चेंज इन वैरायटी का केस होगा, ठीक है? कंफ्यूजन एकदम नहीं पालना है, और जब चेंज इन वैरायटी होगा तो उसमें प्लस माइनस करना ही करना है, जो अभी हमने पढ़ा। लेकिन जब चेंज इन पोजीशन का सवाल होगा तो उसमें प्लस माइनस नहीं करना है। तो क्या करना है भाई, तो इसी को तो समझना है सर कि चेंज इन पोजीशन में क्या करना है। तो चेंज इन पोजीशन में सबसे पहला ध्यान रखना है अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। यानी ऐसा हो सकता है कि ABCD को छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा सजा दिया जाए, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि स्पार्क को क्या करा, तो स्पार्क बराबर लिखा AKPRS। ये क्या है AKPRS, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो है मेरे मित्र, ठीक है? तो सबसे पहला ध्यान आप ये रखेंगे कि हो सकता है कि उसको छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा अरेंज कर दिया जाए। अगर नहीं होगा तो
तो दो नंबर पे फिर ध्यान देना है आपको कि ऐसा है क्या कि सारा भवेल एक साइड और सारा कॉन्सोनेंट एक साइड हो। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल लू एजुकेशन बराबर, एजुकेशन बराबर ए आई ओ यू सी डी एन टी, तो आप यहां देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको क्या दिख रहा है कि सर ये छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा नहीं है, छोटा से बड़ा होता सर तो ए के बाद सी डी होना चाहिए था, यहां तो ए के बाद सी डी है नहीं, बड़ा से छोटा होता सर तो स्टार्ट इसका यू से होना चाहिए था, दैट मींस ये है तो चेंज इन पोजीशन ही, क्योंकि इधर के सारे लेटर इधर दिख रहे हैं तो जोड़ घटाओ तो करना नहीं है, लेकिन ये सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, लेकिन हाँ सर यहाँ सारा भवेल एक साइड बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है और पहले सारा भवेल है फिर सारा कॉन्सोनेंट है, और भवेल भी बड़ छोटा से बड़ा है, कॉन्सोनेंट भी छोटा से बड़ा सजा हुआ है, तो दूसरा ध्यान आपको जाएगा भवेल और कॉन्सोनेंट पे। अगर ये दोनों ना हो तो तीन नंबर में फिर आप सोचेंगे स्पेशल ग्रुप, स्पेशल ग्रुप, स्पेशल ग्रुप में क्या होगा तो कुछ ग्रुप बनाएगा, जैसे स्पेशल ग्रुप में अगर हम एक नंबर आपको दिखाएं तो देखो क्या होगा, सारे लेटर को उलट देगा, और जब सारे लेटर को, ये सारे को ना उलट के लिख देगा बाबू, उलट के लिख देगा तो मेटल का कोड क्या हो जाएगा एल ए टी ई एम, या तो सारे को उलट के लिख सकता है या आधे अधूरे को उलट के लिख सकता है, जैसे अगर हम बोले कार्बन बराबर, कार्बन बराबर तो क्या करा दो दो का ग्रुप बना लिया, देखिए कार्बन बराबर लिखा ए सी बी आर एन ओ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से आएगा, स्पेशल ग्रुप से, अगर चेंज इन पोजीशन का सवाल होगा तो सबसे ज्यादा कहाँ से आएगा, स्पेशल ग्रुप से। क्या हो रहा है, दो दो का ग्रुप बनाया और उलट के लिखना शुरू किया, पहले इसको उलट दिया तो ये ए सी हो गया, फिर इसको उलट दिया बी आर हो गया, और फिर इसको उलट दिया एनओ हो गया। अगर ऐसा ही करना था तो आपके मन में आ सकता था कि एक तो सर आपने बोला पूरे को उलट दिया, एक बोला दो दो को उलट दिया, जब छह लेटर है तो तीन तीन को भी उलट सकता है, हम बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है, पहले इस तीनों को उलट कर आर ए सी बना दिया और फिर इस तीनों को उलट कर क्या बना दिया एन ओ बी बना दिया। ऐसा भी हो सकता है भाई कि शुरू वाला और अंत वाले का एक ग्रुप बना दे, स्टार्टिंग और लास्ट वाले लेटर को एक साथ सी एन लिख दे, सेकंड और सेकंड लास्ट को एक साथ ए ओ लिख दे, और थर्ड लास्ट को एक साथ आर बी लिख दे। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये स्पेशल ग्रुप के हैं, ठीक है। और जब कुछ नहीं होगा तो चार नंबर में आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है भाई, चार नंबर में क्या कर देना है, नंबरिंग कर देना है। ये डेंगू फैला हुआ है और यहाँ मच्छर घूम रहा है, नंबरिंग कर देना, ठीक है। चलो नंबरिंग में क्या करते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस चेंज इन पोजीशन में ये चार रूल को ध्यान रखने हैं, और सबसे ज्यादा तीन और चार नंबर, क्योंकि बहुत कम चांस है कि एक और दो नंबर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, लेकिन वो भी होता है तो उसको भी ध्यान रखना है। ये चार पॉइंट ध्यान रखेंगे तो इतना तय है कि आपका एक भी क्वेश्चन न गलत होगा न छूटेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए क्या,
मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सके। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना है और उसका पीडीएफ बना के खुद से एक जगह रख लेना है, रिवीजन करते जाना है, ठीक है। चलो देखिए, ये बोला इंटेलिजेंस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि सर आपको ऐसा प्रतीत होगा बाबू कि सर इसका सारा लेटर तो इसमें मौजूद है, इंटेलिजेंस के सारे लेटर इसमें मौजूद हैं, तो सर ये तो चेंज इन पोजीशन का सवाल हो गया। और जब ये चेंज इन पोजीशन का सवाल हो गया तो ये थोड़े ना देखेंगे कि आई में क्या जुटा क्या घटा और ये हो गया, बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है, क्या कुछ ग्रुप बन रहा है क्या। और जब ध्यान से इसको देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर चार चार लेटर का ग्रुप बनाया गया है और पहले इन चारों को उलट दिया, और इन चारों को उलट कर लिखेगा तो आप बताइए सर आई टी ई टी एन आई हो जाएगा, फिर इन चारों को उलट के लिखेगा तो जी आई डबल एल हो जाएगा, और फिर इन चारों को उलट देगा तो ई सी एन ई हो जाएगा। यानी चारों को उलट उलट कर लिखा जा रहा है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा भी। तो अगर सिमिलरली यहाँ पे उलट दिया जाए तो चार लेटर फिर चार लेटर चार लेटर, पहले इन चारों को उल्टेगा एच टी ए एम, टी ए एम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिख रहा था सी में, तो हमारा आंसर हो गया सी। देखो एच टी एम पलटा, फिर इन चारों को पलटेगा तो टी ए एम ई बन जाएगा, और फिर इन चारों को पलटेगा तो एल ए सी आई बन जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ा जाए, सी आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या करा है, तो यहां पे क्या किया है कि सारे को एक साथ उलट दिया है। देखिए ऐसा है क्या, नहीं सर ऐसा नहीं है, सारे को एक साथ नहीं उल्टा है, तीन तीन के ग्रुप में बांटा गया है। कितना के ग्रुप में मेरे मित्र, तीन तीन के। पहले इन तीनों को उलट दिया, ये जेड आई एम हो गया, फिर इन तीनों को उलट दिया वाई एल जेड हो गया। तो यहां भी अगर उलट दिया जाए तो पहले इन तीनों को उल्टेंगे तो पी यू जेड हो जाएगा, और फिर इन तीनों को उल्टेंगे जेड एल ई हो जाएगा, पी यू जेड। ये तो लग रहा है क्या, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, जेड यू पी, चलिए ये तो हम लोग उल्टा कर दिए ना, ये तो दिया हुआ है, पलटना तो इसको है ना, ये इसको उलट दिया जेड यू पी हो गया और इसको उलट दिया ई एल जेड हो गया। तो ये जो है इसको उलट दिया जाए, छह में तीन तीन यानी आधा आधा पे उलट दिया, तो ये अगर आठ है तो इसका आधा चार चार होगा, और चार चार पे उलट दिया जाए तो पहले आएगा डबल जेड यू बी और फिर आएगा क्या डी आर ओ डब्लू, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा, ठीक है। आगे इसमें क्या है जरा देखिएगा, इसमें ऐसा है कि पूरे को उलट है ना, पूरे को उल्टा है क्या देखेंगे जरा, आर ई जी ए एन ए एम, हाँ सर पूरे को उलट दिया है। तो आप भी अगर पूरे को उलट देंगे तो एन ओ आई टी ओ एम आपका आंसर हो जाएगा, एन ओ आई टी एम जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। नेक्स्ट यहां देखा जाए भाई, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो ये पहले ये दोनों को लिखा, फिर इन दोनों को लिखा,
इन दोनों को सीधा लिखा, इन दोनों को उल्टा लिखा। अब ये दोनों है कि ये दोनों है, आप सोच लो, आप सोच लो कि ये टीए जो है, ये टीए वाला, ये दोनों का मामला है या ये दोनों का मामला है। ठीक है, समझ गए। टीए अगर ये दोनों का माने तो ठीक है भाई, पहले लास्ट वाला, फिर दो छोड़ के ये दोनों, और फिर दो छोड़ के ये दोनों, फिर जैसे बच गया वैसे लिख दिया, ऐसा आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। पहले ये दोनों, फिर दो छोड़ के ये दोनों, फिर दो छोड़ के ये दोनों, और फिर जो बचा हुआ है वो। तो यहाँ पे अगर उसी तरह किया जाए, ठीक है, उसी तरह किया जाए तो पहले ये दोनों ओ एन, फिर दो छोड़ के भी ए, फिर दो छोड़ के डी ए, फिर आपका आ जाएगा आर आई और टी आई बचा हुआ। ओ एन भी ए ई ई आर आई टी आई, ओ एन भी ए डी ई आर आई टी आई, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलिए। ऐसे भी सोच सकते थे, इसको हम लोग नंबरिंग से भी बना सकते थे, हालांकि ये भी एक स्पेशल ग्रुप है, लेकिन इसको नंबरिंग से भी बना सकते थे। कैसे, एक नंबरिंग वाला सोच लीजिए। नंबरिंग कब करना है, तब कोई स्पेशल ग्रुप ना हो तब हम लोग क्या करेंगे बाबू, नंबरिंग करेंगे। लेकिन हम ये एक सवाल बता देते हैं, देखिए इस पे ना कुछ नहीं करना है, जब कोई ग्रुप ना हो ना तो सीधा इस पे नंबरिंग कर दीजिए, एक से लेकर जितना तक है उतना तक, और फिर इस साइड भी नंबरिंग कर दीजिए। इस साइड नंबरिंग करेंगे इसके अकॉर्डिंग कि इधर जो एक से दस है, उस दस में इधर सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले नौ नंबर वाला ओ आया, फिर दस नंबर वाला एन आया, फिर आप देखिए तो ऐसे बोल सकते हैं कि फिर सात नंबर या पांच नंबर वाला क्या आया, टी, दोनों में से कोई एक आया। ठीक है, कौन आया, कंट से, बस दोनों में से कोई एक आया है। फिर छ नंबर वाला ए आया, फिर आपका क्या आया, एक नंबर वाला डी आया, फिर आपका कौन आया भाई, दो नंबर वाला ई आया, फिर कौन आया तीन वाला पी आया, चार वाला यू आया, फिर वही सात या पांच में से कोई एक आया, और लास्टली आपका आठ वाला आई आया। अब इसका कोड है ये, और इसका कोड पूछ रहा है, तो आपको पता है जैसे इसमें हुआ है वैसे ही तो इसमें होगा। इसमें कैसे होगा, हुआ है तो यहाँ वाला नौ नंबर वाला लेटर पहले आया है, तो भाई इसमें भी जो नौ नंबर वाला होगा वो पहले आएगा, तो सिमिलरली इसमें भी नंबरिंग कर दिया जाए। और इसमें पहले कौन आएगा, तो इसमें भी पहले सर नौ नंबर वाला, फिर दस वाला आएगा, फिर पांच और सात में से कोई एक आएगा, फिर क्या आएगा, छः, एक, दो, तीन, चार, फिर पांच सात में से कोई एक, और फिर आठ। तो यहाँ नौ नंबर वाला कौन है, वो है, दस वाला कौन है, एन, पांच सात पे कौन है, तो पांच और सात पे भीटी में से कोई एक है, यानी यहाँ भीटी में से कोई एक आने जा रहा है। छः वाला ए, एक वाला डी, दो वाला ई, तीन वाला आर, चार वाला आई, फिर पांच सात में से कोई एक यानी भीटी में से कोई एक, और फिर आठ नंबर वाला कौन, आई। ठीक है क्या, अब ये देख लो, ओ एन, ओ एन भीटी में से कोई एक, तो भीटी में से कोई एक यहां नहीं था, यहां था, भीटी के बाद ए डी ई आर आई, डी ई आर आई इस दोनों में नहीं है, और जब इस दोनों में नहीं है तो इसी में है। तो इस तरह से आपको क्या कर देना है, नंबरिंग कर देना है। हालांकि इस सवाल में नंबरिंग करने का जरूरत नहीं था, लेकिन नंबरिंग करके हम सवाल को कैसे बनाते हैं, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, नंबरिंग कब करेंगे, जब कोई स्पेशल ग्रुप पर सेट ना करे तब।
इसके बाद हम लोगों को ये था लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर में आपने तीनों डिटेल में पढ़ लिया, चेंज इन नंबर भी, चेंज इन वैरायटी भी और चेंज इन पोजीशन भी। अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो है वो है लेटर टू डिजिट। और लेटर टू डिजिट में कौन कौन से रूल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक ना। पढ़ाई देखिए ऐसे नहीं किया जाता है। आखिर हम लोगों के चैनल और अदर चैनल में डिफरेंस क्या है? क्यों बच्चे बार बार डिमांड करते हैं जो हम लोगों से पढ़ लिए कि नहीं सर पढ़ना तो आप ही से, आप बिहार एसएससी बच्चों के फोर्स से। आप लोग देखे होंगे बार बार ग्रुप में कमेंट, यूट्यूब पे कमेंट कि बिहार एसएससी कंप्लीट करवाइएगा या नहीं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे चैनल पे हो रहा, लेकिन फिर भी हम ही लोगों का डिमांड क्यों? क्योंकि जो भी हम लोगों के बच्चे हैं उनको पता है कि जो बेस यहाँ पे क्लियर करवा दिया जाएगा वो बेस किसी चैनल पे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो उन लोगों के स्पेशल डिमांड पे हम लोग बस 26 नवंबर से एग्जाम है, 5 से 7 नवंबर तक आपका पूरा कोर्स हम लोग फिनिश कर देंगे। आप लोग बस वीडियो को एक बार देख लेना है सिर्फ, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 25 प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। रीजनिंग बहुत इजी आएगा बिहार एसएससी में, टेंशन की कोई बात नहीं है। और जितना कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ा दिया जा रहा है उतना आप पढ़ के जाएंगे, आप गर्दा उड़ा कर आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी। तो लेटर टू डिजिट में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, रूल वाइज अगर मैं बात करूं, तो रूल वाइज अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, लेटर टू डिजिट में 6 रूल याद रखना है। पहले तो लेटर टू डिजिट होगा क्या, तो भाई एक साइड लेटर और एक साइड डिजिट, तो आप समझ जाएंगे कि ये लेटर टू डिजिट है। अब लेटर टू डिजिट में आपको पहला क्या याद रखना है, शब्द में अक्षरों की संख्या। जैसे अगर ये लेटर शब्द दिया गया है तो इस लेटर शब्द में कितना अक्षर है, इस शब्द में 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, ठीक है। तो यही लेटर काउंट करना और उसके बाद उसका कोडिंग निकालना, ये क्या है, शब्द में अक्षरों की संख्या और उसका एप्लीकेशन। भाई शब्द में अक्षरों की संख्या हो या उसका एप्लीकेशन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस लेटर शब्द, इस वर्ड में कितने लेटर हैं ये काउंट करने होंगे। और जैसे ही आप लेटर काउंट करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, अगर इस पैटर्न पे सवाल होगा तो क्लियर हो जाएगा। बस ये रूल ध्यान रखना है। एक रूल क्या है, शब्द में लेटर का संख्या काउंट करके उसका कोडिंग डिकोडिंग बनाया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पहला सवाल, ये सारा इसी रूल पे क्वेश्चन लिया है हमने, जो आपको दिख रहा होगा, अगर लेटर का संख्या है भाई तो पहले तो काउंट करना है। इस पेमेंट शब्द में कितना लेटर है, तो पेमेंट शब्द में सर 7 लेटर है और वही 7 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर डेंजरस शब्द में कितना लेटर है, तो 3 3 6 और 3 9 लेटर है और वही लेटर का संख्या यहाँ दिया हुआ है। तो ये तो एकदम सिंपल हो गया भाई कि सर कुछ करना है, जितना लेटर है उतना ही लिख देना है। तो नीडेड में अगर 6 लेटर है तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ये ऑब्टेंड शब्द में कितना लेटर है, जब टाइप ही हम पढ़ रहे हैं शब्द में, वर्ड में लेटर का संख्या, तो पहले तो हमको लेटर का संख्या काउंट करना ही होगा। और जब हम लोग लेटर का संख्या काउंट करेंगे तो ऑब्टेंड शब्द में 3 3 6 2 8 लेटर है और ये दिया है 9, यानी जितना लेटर है उससे एक ज्यादा करके यहाँ लिख दिया गया है। तो यहाँ भी कंप्यूटर शब्द में कितना लेटर है, 3 3 6 3 9 लेटर है और जितना लेटर है उससे एक बढ़ाकर यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यहाँ करेक्ट शब्द में 3 3 6 1 7 लेटर है और 7 से एक बढ़ाकर हम लोग यहाँ लिख दें तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट पे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक यानी सीजीएल 2014 में, इससे पहले 2022 के पहले जो 2014 में
बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था, आप जाकर उसका दो शिफ्ट में हुआ था। कितने शिफ्ट में हुआ था भाई? दो शिफ्ट में। तो उसमें से पहले शिफ्ट का सवाल देखेंगे तो आपको इस पैटर्न पे एक सवाल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो अगर हम इसमें शब्द का संख्या काउंट करें तो सर इसमें 5 लेटर है और इसमें कितना लेटर है? 6। तो ये 5 है ये, और इसका कोड दे रखा है 15। तो क्या करा होगा सर? तो लेटर 5 है तो इसमें लेटर में 3 से गुना कर दिया तो 15 आ गया। यानी जितना लेटर है ना, जितना लेटर है उसमें अपने मन से 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ लेटर कितना है? 6, और 6 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 18। यहाँ 7 लेटर है तो 7 में उसी तरह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कर क्या रहा है, तो लेटर का जो संख्या है वो डायरेक्ट लिख दे रहा है या उसमें कुछ जोड़ के, कुछ घटा के, कुछ गुना करके या कुछ भाग दे करके लिख दिया जा रहा है। बस ये माइंड में फिक्स कर लेना है और एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा देना है, ठीक है क्या? यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सर यहाँ पे लेटर का संख्या है 5 और लिखा है 25, तो ये 25 कैसे आएगा भाई? तो नो डाउट सर, 5 का स्क्वायर करना होगा। यानी जितना लेटर है उस लेटर के संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। प्लैनेट शब्द में सर 6 लेटर है और 6 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 36 आएगा। तो एनवायरमेंट शब्द में 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 लेटर है, तो अगर 11 का स्क्वायर कर दिया जाए तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? 121 हो जाएगा सर, ठीक है क्या? यहाँ डू शब्द में कितना लेटर है? 2, और 2 का क्यू कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ डिड में कितना लेटर है? 3, और 3 का क्यूब कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो डन में कितना लेटर है? 4, तो 4 का क्यूब कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको रूल नंबर 1 काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ करना ही नहीं है ना, जितना लेटर है उसको डायरेक्ट लिख देगा, उसमें कुछ जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके या स्क्वायर क्यूब करके लिख देगा। किस में? तो उस वर्ड में जितना लेटर है उसमें। सो सिंपल, ठीक है। ये तो भाई मेरे मेमोरी में बैठ गया, अब तो हम इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। अगर हम 2 बार 3 बार इसी चीज को रिपीट कर दें कि पहला रूल में क्या होगा, तो जितना लेटर है उसका संख्या में डायरेक्ट दे देगा, कुछ जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग, ये 2-3 बार बोलेंगे तो ये सेट कर जाएगा। फिर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, एकदम माइंड में सेट कर गया, ठीक है। कम पढ़िए, स्मार्ट वे में पढ़िए, तभी जाकर रिजल्ट होगा। पढ़ना ज्यादा है कहाँ, आप लोग फालतू में परेशान रहते। चलिए ठीक, नेक्स्ट। शब्द में अक्षरों का स्थान बाएं एवं दाएं छोर से, ये शब्द है। अब इसका पोजीशन आपको याद होगा, इस लेटर का पोजीशन याद होगा, लेफ्ट से और राइट दोनों से याद होगा। जैसे अगर लेफ्ट से पूछे तो लेफ्ट से जी कितना है? 7 है। अब आपको ये भी पता है कि पैटर्न 2 तरीके का होता है, स्टार्टिंग वाला या तो स्टार्टिंग में होगा या स्टार्टिंग वाला कहाँ होगा? लास्ट में, ठीक है। तो ये जी का जो पोजीशन है ये 7 डायरेक्ट या तो शुरू में भी रह सकता है या लास्ट में भी। अभी कहाँ है? तो शुरू में है। ए कितना है? 1 है, ये सेकंड में है। एम कितना है? 13 है। ई कितना है? 5 है। और एस कितना है? 19। ये तो एकदम हलवा सवाल हो गया, कुछ किया ही नहीं है। जो लेटर का पोजीशन है वो बस लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई हमारा 9 है, एन 14 है, डी 4 है, ई 5 है और एक्स 24 है। रूल से
नहीं समझ में आ रहा है कि लेटर का जो पोजीशन है लेफ्ट और राइट से सिर्फ वही लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी 16 है, लेफ्ट से अगर बात करें तो पी कितना है 16, और ये 16 आपको शुरू में नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, लास्ट में। आर कितना है बाबू, आर 18 है। आई कितना है, 9 है, 9 आई कितना, 9। ई कितना, 5। एस कितना, 19, और टी कितना है, 20 है। तो यहां भी अगर कर दिया जाए तो वो आपका कितना है, 15, और ये कहां जाएगा, लास्ट में जाएगा। एम कितना है, 13, ये सेकंड लास्ट में जाएगा। ई कितना है, 5। जी कितना है भाई, 7 है, और ए कितना है, 1 है। ये लेफ्ट से पोजीशन था। अब सी कितना है, 3, तो सी 3 ना शुरू में दिखा ना लास्ट में दिखा, ना शुरू में दिखा ना लास्ट में दिखा, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर पोजीशन सिर्फ लेफ्ट से थोड़े ना होता है, पोजीशन तो लेफ्ट से भी होता है और राइट से भी होता है। तो हो ना हो यहाँ लेफ्ट पोजीशन ना देकर कहां से दे रखा हो, राइट से। और जब हम लोग राइट से पोजीशन देखेंगे तो राइट से सी आपका कितना है, 24 दिख रहा है। ए कितना है, 26, वो भी दिख रहा है। एम कितना है, 14, वो भी दिख रहा है। पी कितना है, 11, वो भी दिख रहा है। यू 6 और एस 8 दिख तो रहा है, यानी ये राइट से पोजीशन है। तो राइट से पोजीशन हम यहां भी लिखें तो एच अपना 19 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा भाई, ई 22 हो जाएगा। ए कितना होगा, ए 26 हो जाएगा। आर कितना, 9। टी कितना, 7, और एस कितना, 8। ठीक है, बोलिए क्लियर हो रहा है भाई। चलिए, तो ये था रूल, शब्द में अक्षर का पोजीशन, लेट पोजीशन ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स। अब इसी का हमको देखना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी क्या होगा, पोजीशन चढ़ाएगा, लेकिन यहां जो देख रहे हैं डायरेक्ट पोजीशन लिखता, उसमें डायरेक्ट पोजीशन नहीं लिखेगा, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज करेगा। तो क्या चेंज करेगा देखिए जरा सा, आइए, शब्द में अक्षरों के स्थानों का एप्लीकेशन। तो पहले पोजीशन तो लिखना है, पोजीशन अगर हम लोग लिखें तो पी कितना है, 16, पी कितना है, 16, आर कितना है, 18, आई 9, अगर लेफ्ट से बात करी जाए तो ये कितना, 13, ये 5 और ये 18। अब यहां देखिए, पी 16 है और यहाँ पे दिख रहा है 61, आर 18 है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 81। इसका मतलब क्या कि आपको समझ में आ रहा है क्या, 16 का दोनों डिजिट आपस में उलट दिया, और उलट के कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। आर का उसी तरह दोनों डिजिट उलट देगा तो आर कितना हो जाएगा, 81 हो ही जाएगा। और 9 ये तो बेचारा अकेला है, और ये जब अकेला है तो इसको कैसे पलटेंगे, तो इसको ही नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, एड इट इज, ठीक ना। ये 13 को पलट के 31 कर दिया, 5 अकेला है ऐसे ही छोड़ दिया, समझ गए होंगे, पोजीशन ही तो है, लेकिन पिछले बार पोजीशन को एज इट इज लिख दे रहा था, इस बार उसमें हल्का सा क्या किया गया, हल्का सा बदलाव किया गया है, उसी बदलाव को आपको समझना, ठीक है। तो समझ रहे हैं क्या, और ये लेफ्ट से हो सकता है तो राइट से, जो भी घटनाएं लेफ्ट से हो सकती हैं वो सारी की सारी घटनाएं राइट साइड से भी हो सकती हैं, लेकिन अभी आपके एग्जाम में राइट साइड वाला सवाल बहुत कम आता है। जो आता है या जो आने की संभावनाएं हैं, मैं बस उसी को पढ़ा रहा हूँ, लेफ्ट साइड से ज्यादा आता है, ठीक है। अब ये सवाल देखो, ये 14 है,
अगर पोजीशन लिखा जाए, ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है और ये 25 है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय बीएसएससी इंटर स्तरीय में सेम कॉन्सेप्ट का सवाल, बिहार एसएससी इंटर लेवल में आ चुका है रिसेंट में। 2014 के बाद जो इंटर वाला एग्जाम हुआ था वो तो 14 वाला ग्रेजुएट लेवल का था, फिर इंटर लेवल का जो हुआ था उसमें दो एग्जाम हुआ था, पहला एग्जाम कैंसिल हो गया था और फिर एक और हुआ था पीटी, जो कैंसिल होने के बाद जो पुनः पीटी हुआ था उस एग्जाम में इस पैटर्न पे सवाल था। यहाँ पे हो क्या है देखिए, तो बस ये जो पोजीशन चढ़ाया अब तो पता ही है, क्योंकि हम लोग पोजीशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और जब पोजीशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो पोजीशन तो हूबहू देगा नहीं, उसमें कुछ छेड़छाड़ करेगा। और क्या छेड़छाड़ कर रहा है, तो पोजीशन को आपस में जोड़ के 14 का 1 और 4 जोड़ के क्या बना दिया, 5। ये अकेला है तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता। और फिर 13 का 1 और 3 जोड़ के क्या बना दिया, 4। 13 का 1 और 3 5, अकेला है, 1 और 2 जोड़ के 3 बना दिया, और 5 और 2 जोड़ के क्या बना दिया, 7। यहां भी देखिए 16 का 1 और 6 जोड़कर क्या बना दिया, 7 बना दिया। 18 का 1 और 8 जोड़कर क्या बना दिया बाबू, 9 बना दिया। समझ रहे हैं क्या, तो 17 का 1 और 7 जोड़ के हम भी 8 बना देंगे। ये 21 का 2 और 1 जोड़ के क्या बना देंगे, 3। 1 तो किसी से जुटेगा नहीं। 18 का 8 और 1 जोड़ के 9 बना देंगे। ये 20 है तो ये तो किसी से जुड़ेगा नहीं, ये तो 2 ही रहेगा। और ये 26 का 2 और 6 जोड़ के क्या बना देंगे, 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए पार्ट्स, ये क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट पे बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक 2014 में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल था। इसमें क्या हो रहा है देखिएगा जरा, ये आपका 16 है, ये आपका 1 है, ये 18 है, ये 20 है और ये 19 है। अब इस 16 में इसके पोजीशन में 5 एक्स्ट्रा जोड़ दें तो 16 5 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सब पोजीशन का ही तो एप्लीकेशन है, ये तीनों साल में को बनाने के लिए पहले पोजीशन तो लिखना है और उसके बाद पोजीशन में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है हल्का फुल्का। फिर देखिए 1 और 5 जोड़ दें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 18 और 5 जोड़ दें 23 हो जाएगा। 20 और 5 जोड़ दें 25 हो जाएगा। 19 और 5 जोड़ दें 24 हो जाएगा। फिर 15 में 5 जोड़ दें 20 हो जाएगा। 3 में 5 जोड़ दें 8 हो जाएगा। 5 5 10, 1 5 6 और 14 5 कितना, 19 हो जाएगा। तो 22 और 5 जोड़ेंगे 27, 9 5 14, 20 और 5 25, 1 और 5 6 और 12 और 5 17, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, नेक्स्ट इसमें क्या है, ये आपका लेफ्ट से अगर देखा जाए तो भाई लेफ्ट साइड से ये 3, ये 1, ये 18, ये 5, ये 6, ये 21 और ये 12। अब इसमें क्या है कि दो दो लेटर को जोड़ते जाइए, जैसे 3 और 1 जोड़ दिया तो 3 और 1 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, अगला दो को जोड़िए, तो अगला दो को जोड़िएगा तो 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर अब इसको छोड़ दीजिए, अगला दो को जोड़िए तो 18 और 5 कितना, 23। फिर अगला दो को जोड़िएगा
तो 6, 5, 11, फिर अगला दो को जोड़िएगा तो 21 और 6, 27, और फिर अगला दो को जोड़िएगा तो 21 और 12, 33, यानी दो दो लेटर के पोजीशन को ऐड करता चला जा रहा है, एक एक छोड़ते जा रहा है और अगला दो दो को जोड़ते जा रहा है, ठीक है क्या। तो फिर यहाँ पे अगर हम इसको जोड़े तो ये 4, 9, 7, 9, 20, 1, 12, इन दोनों को अगर जोड़े तो 9, 4, 13, और इन दोनों को अगर जोड़े, अब इसको छोड़ देना है अगला दो को, अगला दो 9 और 7 मिलके कितना 16, फिर ये 9 को छोड़ देना है अगला दो, फिर 7 और 9, 16, फिर ये 4, 9, 9, 7, 7, 9, फिर ये 9 को छोड़ देना है, 9 और 20 जोड़ना है, 20 और 9, 29, फिर 9 छोड़ के ये 20 और 21 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे 21, फिर 1 और 12 जोड़ेंगे 13, ठीक है क्या। बोलिए अगला दो दो को जोड़ चलना है। तो इतना ध्यान रखना है क्या, शब्द में अक्षरों के स्थान का एप्लीकेशन, ठीक है। आगे अगला रूल गुना, शब्द में अक्षरों के स्थानों का गुना। तो गुना जब भी होगा तो दो तरफ से होगा, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट से, साइड का गुना और एक राइट साइड का गुना, दो पॉइंट ध्यान रखना है। आइए, जैसे अगर आप इसमें लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड से 16, ये 1, ये 18 और ये 20, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 × 1 × 18 × 20 ये सब मिलकर कितना हो जाएगा, 5760 हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट का गुना है। यहाँ पे अगर आप 9 × 14 × 2 × 15 × 24 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, लेफ्ट साइड से पोजीशन चढ़ा के क्या कर दिया गया है, गुना। तो यहाँ भी अगर आप 7 × 12 × 1 × 19 × 19 करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आप कर लेंगे। ये क्या है, राइट साइड से पोजीशन चढ़ा दो भाई, राइट साइड से, राइट से ये कितना है, ये 15 है, ये कितना है 26 और ये कितना है 25, और राइट साइड से पोजीशन चढ़ा के गुना कीजिएगा तो 15 × 26 और × 25 करने पे ये इतना आ जाएगा। फिर यहां पे भी सिमिलरली अगर आप, ये 19 है, ये 26 है, ये 5 है, ये 22 है, ये गुना करेंगे इतना आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पोजीशन चढ़ा के 14 × 26 × 9 × 16 और × 8 करिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक में लेफ्ट साइड से पोजीशन चढ़ा कर गुना कर देना है, एक में राइट साइड से। ये हो गया शब्द में अक्षरों के स्थानों का गुना। अब एक हो जाएगा शब्द में अक्षरों के स्थानों का जोड़। देखिए उसको, जैसे गुना दो तरीके से, एक लेफ्ट से एक राइट से, उसी तरह जोड़ में भी आपको दो चीज याद रखना है। एक लेफ्ट से पोजीशन चढ़ाकर जोड़ा जा सकता है, जैसे यहां हम लेफ्ट से पोजीशन चढ़ाएं तो ये आपका 6 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 19 है। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कितना होगा भाई, ये 20 20 40 20 20 40 40 20 60
82 हो जाएगा, हो जाएगा 82 हो जाएगा, यहाँ जोड़ा जाए तो ये 8, ये 15, ये 12, ये 9, ये 4, ये 1 और 25, इनको जोड़िएगा 74 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट से पोजीशन कर जोड़ा हुआ है। उसी तरह अगर यहाँ जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा भाई, बताइए कितना हो जाएगा, ये 12 8 20, यहाँ 1 बच गया, 12 8 20, 1 बच गया, 20 20 40, 2 बच गया, तो ये 2 इसको दे देंगे, 40 20 60 60 60 60 20 80, ठीक है, यहां से 2 निकल गया, 80 और 11 91 हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, 91, कैसे, 12 8 20, 1 बच गया, 20 यहाँ, 20 20 40, 1 यहाँ बचा हुआ, 1 यहाँ बचा हुआ, 2 17 2 19, और इसमें से 1 इसको दे दिया जाए तो फिर ये भी 20, और 1 इसको दे दिया जाए तो ये भी 20, यानी 20 20 40 20 60 20 80, 2 इसमें से निकाले हैं तो ये बचा 7 और ये 4, 7 4 11, 80 और 11 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ये लेफ्ट से है, अब अगर इसको आप लेफ्ट से जोड़िएगा तो ये 93 आने वाला नहीं है, और जब लेफ्ट से जोड़ने पे 93 नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको किधर से जोड़ेंगे, राइट से, दो ही होता है जोड़ में और गुना में, लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट से राइट से, ठीक है, और दोनों आते हैं एग्जाम में। ये राइट से कितना है भाई, ये राइट से 19 है, ये कितना है 12, ये कितना है 4, ये कितना, ये 22 है, ये 5 है, ये 22 है और ये 9, अगर इन सब को जोड़ा जाए तो ये 19 और 1 20, 20 11 31, 31 और 4 35, 35 35 है ना, 19 1 20, 20 11, 31 4 35, 35 5 40, 40 इधर और 40 इधर, 80 80, और बचा हुआ 9 4 13, ठीक है, 93 हो जाएगा, सही है। ये जोड़ेंगे तो ये 25, ये आपका 18, ये आपका 20, ये भी 20, ये 22, ये 8 और ये 7, ये सब जोड़िएगा, 120 आ जाना चाहिए। तो ये अगर जोड़ेंगे तो ये आपका 18, ये 14, ये आपका 11 राइट से, ये आपका 12 राइट से, ये आपका 18 राइट, सॉरी 9 राइट से, और ये आपका 7 राइट से, जोड़ा जाए तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 9 7 16 16 2 18 18 10 28 28 और 2 30, और 2 जब इसको दे देंगे तो ये 12 18 30 खुद हो जाएगा, 9 7 16 16 2 18 10 28 28 2 30 30 और 30 60, ठीक है, बचा यहाँ 11, यानी ये आपका 71 हो जाएगा, ठीक है क्या। आगे आगे है, ये था क्या, शब्द में अक्षरों के स्थानों का जोड़, यहां से भी आपके बिहार एसएससी में सवाल पूछे गए हैं। और अगला है शब्द में अक्षरों के स्थानों के जोड़ का एप्लीकेशन, जोड़ का एप्लीकेशन VVI, जोड़ का एप्लीकेशन VVI, और जब जोड़ का एप्लीकेशन है तो पहले तो मेरे भाई जोड़ना तो पड़ेगा ना, जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जोड़ का एप्लीकेशन जो VVI है, और इसमें इसमें जोड़ का एप्लीकेशन है
तो इसको पकड़ने के लिए पहले जोड़ना होगा, पहले क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे पहला सवाल, मैक्रो बराबर 5 दिया है, नेम बराबर 6, ये एक पुनः यहां से हटाकर एक नंबर को यहां ताकि जोड़ने में सुविधा हो। देखा जाए ये 1 है, ये 3 है, ये 18 है, ये 15 है, हम सारी बातें लेफ्ट इंड से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जोड़ के एप्लीकेशन में आपके एग्जाम में जो भी दिया जाएगा वो लेफ्ट से ही दिया जाएगा, लेकिन कसम नहीं खाया है ना, राइट से भी दे सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भाई। देखिए, लेकिन अभी हम लोग लेफ्ट से लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट से अगर देखा जाए, जो लेफ्ट से हो सकता है वो सारी चीजें राइट से भी हो सकती है। यहाँ पे 13 एक जोड़ का एप्लीकेशन है, तो पहले जोड़ना तो पड़ेगा, जोड़ेंगे 13 एक 14, 14 और एक 15, अगर ये निकाल लिया जाए, इससे एक इसको दे दिया जाए तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 15 15 30, और ये 2 बचा इसको दे देंगे तो 18 2 20, 30 20 कितना हो जाएगा, 50, जोड़ने पे ये 50 हो जाएगा, और लाना कितना है, 5, ये 14 है, ये 1 है, ये ऊपर लिखा, पर लिखा जाए, ये कितना है भाई, 14 है, 1 है, 13 है, 5 है, जोड़ेंगे तो 13 13 26, 26 2 28, 28 5 33 हो जाएगा, ये ऐड करने पे 33, लाना है 6, 50 को 5 बनाना है, 33 को 6 बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा तो फंडा दिख रहा है कि सर ये 5 और 0 को आपस में जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और जोड़ने के बाद जो 33 आया इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा 6 हो जाएगा, जोड़ने के बाद आपस में जोड़ दिया जाए, यहां भी सेम काम करेंगे, ये 11 है, ये आप 14 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 5 है, जब सबको जोड़ा जाएगा 9 6 15 5 20 और 14 11 कितना, तो 14 11 25, 25 और 20 कितना, 45, और 45 का 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा भाई, ठीक है क्या। तो जोड़ का एप्लीकेशन में पहला पॉइंट, जोड़ने के बाद आपस में जोड़कर सिंगल डिजिट तक पहुंचा दिया, इसको जोड़ के क्या किया, एक अंक तक पहुंचा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अगर इसको लेफ्ट से देखा जाए, 2 नंबर में क्या हुआ, जोड़ का एप्लीकेशन है, जोड़ना तो पड़ेगा, जोड़ेंगे तो 15 4 19 और 4 23 है, और ये कितना है, तो ये 6 1 9 12 19, अगर सबको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा सर 9 1 10 10 और 20 30, 30 10 40 और 7 47 हो जाएगा, 47, ठीक है। अब इसको 69 लाना है, पहले तो जोड़ेंगे, जोड़ का एप्लीकेशन होगा तो पहले जोड़ेंगे, अब जोड़ने के बाद इसको 69 लाना है, इसको 235 लाना है, क्या करा जाए, क्या करा जाए, तो सर 23 में अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो ये 69 हो जाएगा, और 47 में 5 से गुना कर दिया जाए तो ये 235 हो जाएगा। अब साहब ये 3 और 5 का क्या लॉजिक है, तो सर जोड़ने के बाद जितना लेटर है, इसमें 3 लेटर था तो 3 से गुना करा, और इसमें 5 लेटर है तो 5 से गुना कर दिया, यानी जोड़ने के बाद जितना लेटर है उतना लेटर से गुना कर दिया जाए, है ना। तो यहां भी अगर सेम चीज अप्लाई किया जाए तो ये आपका 11, ये 9, ये 12, ये 12, ये 19, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ये कितना होगा आपको पता है क्या, 12 12 24 24 और 1 25 10 35, 35 1 इसको दे देंगे 20,
35 और 20 55 हो जाएगा। फिर से देख लो 12 12 24 1 25 25 10 35 एक इसको दे देंगे 20 हो जाएगा 35 20 55 और 55 और इसका एक निकल गया तो ये 8 बचा। 55 और 8 कितना हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, हो जाएगा 55 और 8 63। इसमें कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं तो 5 से गुना करेंगे इसको तो ये 6 5 300 और 3 5 15 ये 315 आंसर आ जाए। 63 गुना 5 315। यहां पे क्या हो रहा है सर, तो यहां पे अगर लेफ्ट इंड से देखा जाए तो ये 19 है, ये 1 है और ये 25 है। अगर इन सब को जोड़ देखा जाए तो ये 25 और 20 45 हो जाएंगे सर। 45 को 15 लाना है तो 3 से भाग देना होगा। यहां जोड़ा जाए तो ये है आपका 8, ये 15, ये 18, ये 19 और ये 5। इन सब को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 65 और लाना 13 है। कैसे आएगा भाई, तो सर 5 से भाग देना होगा। अब ये 3 और 5 का क्या लॉजिक है भाई, तो यहाँ पे 3 लेटर है तो 3 से भाग दिया गया, यहाँ 5 लेटर है तो 5 से भाग दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उस शब्द में जितना लेटर है उतना से आप गुना भी करके एग्जाम में पूछा जा सकता है और भाग देकर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर न्यू पूछ रहा है तो ये आपका 14 है, ये 5 है और ये 23 है। अगर इन सब को जोड़ा जाए तो 23 5 28, 28 और 14 कितना होगा, तो 28 और 14 कितना होगा 42, और 42 में अगर 3 से भाग दिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। ये डाटा बराबर 52 दे रखा है, कैसे होगा भाई, तो ये डाटा लेफ्ट से कितना है 4, ये 1, ये 20 और ये 1 जोड़ेंगे तो ये 26 होगा और ये जोड़ेंगे तो 19 16 15 18 20 15 चौका 60 15 चौका 60 60 20 80 बच कितना गया, तो यहाँ 4 यहाँ 3 4 3 7 आ 7 आ 2 7 और 3 10 होगा क्या। फिर से देखिए इसको 15 इसको 15 इसको 15 इसको 15 चारों को 15 मान लिया जाए तो 15 चौका 60 और 20 कितना 80 80 यहाँ कितना बच गया 4 यहाँ 1 5 और यहाँ 3 8 बच गया, यानी 80 और 8 88 हो जाएगा। अब ये 52 लाना है, ये 176 लाना है तो नो डाउट इसमें भी 2 से गुना करना होगा, इसमें भी 2 से ही गुना करना होगा। ये क्या हो गया सर, इस बार तो इसमें 4 लेटर है फिर भी 2 से गुना कर दिया, इसमें 5 लेटर है फिर भी 2 से गुना कर दिया, तो इस बार ये 2 का क्या लॉजिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 अपने मन से आया है और फिर 2 जब अपने मन से आया है तो फिर इसमें लेटर का संख्या का कोई रोल नहीं है। 3 लेटर हो 4 लेटर हो 5 लेटर हो 6 लेटर हो, लेटर कितना भी क्यों ना हो मल्टीप्लाई हमेशा कितना से करना है, जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देना है और जोड़ने के बाद जब 2 से गुना कर दिया तो ये आ गया। यहाँ उसी तरह आप 2 से गुना कर देंगे तो ये 20 और 20 40 और 3 43 हो जाएगा आपका। 43 में जब 2 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86, ठीक है। चलिए यहां अब क्या हो रहा है, अगर इसको भी लेफ्ट से देखा जाए तो ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, ये 1 है, ये 22 है, ये 9 है, ये 14 है और ये 7 है। अगर इन सबको जोड़ा जाए
तो जोड़ने पे कितना आ रहा है भाई, 14, 7, 21 और 9, 30, 30, 20, 50, 2 बचा हुआ है, 50, 10, 60 ठीक है, और 10, 70, ये 70 आएगा। जब इसको जोड़ेंगे लेफ्ट इंड से पोजीशन चढ़ा के जब इसको जोड़ा जाएगा तो 70 आएगा, और जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये 3 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 14 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये कितना आएगा भाई, देख लिया जाए, ये आ जाएगा आपका 14, 12, 4, 16, 14 और इधर 7, 5, 12, 4, 16, 14, 12, 16, 30 हो जाएगा, 30 और इधर बच गया 12, 30 और 12, 42 हो जाएगा भाई। तो ये आपका 75 लाना है, इसको 47 लाना है, इसका मतलब ये हुआ कि जोड़ने के बाद अपने मन से 5 और जोड़ देना है। अब ये 5 का कोई लॉजिक है क्या, तो सर कोई लॉजिक नहीं है, बस ये अपने मन से आया है। इसके मतलब ये हुआ कि जोड़ने के बाद लेटर इस पोजीशन को जोड़ने के बाद जो आया उसमें आप लेटर का संख्या जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं, या अपने मन से भी कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, कुछ गुना कर सकते हैं, कुछ भाग दे सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? पहले लेटर के पोजीशन को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आया उसमें या तो लेटर का संख्या जोड़ दीजिए, लेटर का संख्या घटा दीजिए, लेटर का संख्या गुना कर दीजिए, लेटर का संख्या भाग कर दीजिए, या फिर अपने मन से कुछ भी जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, जैसा कि यहां किया है, यहां देखो अपने मन से 2 गुना कर दिया जोड़ने के बाद, अपने मन से 5 जोड़ दिया। ठीक है, समझ गए? तो यहां 13, 9, 14, 9, 13, 21, 13, 13 तीन बार है, 13, 3, 39, और इसको भी 13 मान ले तो 13, 4, 52, 13, 4, 52 ठीक है, 13, 13, 13, 13, 52 ठीक है, हालांकि ये 14 था तो 52, 53 हो जाएगा, 53 और इसका 7 दे दें तो 53 और 7, 60, 60 हो गया, 60 हो गया, यहाँ 2 बचा, 9, 2, 11, 60 और 11, 71, 71, 72 और 20, 92, और 92 में 5 जोड़ देंगे तो ये 97 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा आप भी एक बार, हो सकता है कुछ एरर हो जाए, ठीक है, हल्का सा 92 के जगह पे हो सकता है 93 आ जाए, हम भी इंसान हैं, हो सकता है जोड़ने में कुछ गलती हो गया हो, तो आप लोग एक बार जोड़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ एरर है, लेकिन फिर भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो वो समझ में आ गया है। यहाँ पे क्या है, ये 16 अगर लेफ्ट से चला जाए तो लेफ्ट से भाई ये आपका 16 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 11। अब अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 16, 9, 25, 14, 11, 25, 25, 25, 50, यहां पे जोड़ा जाए तो 13, 5, 18, 20, 1, 12 जोड़ेंगे तब होगा भाई, बोलिए, 13, 5, 18, 18, 2, 20, 13, 5, 18, 18, 2, 20, 20, 10, 30, 20, 50, 1, 51, यहां लाना है 154। तो पहले तो अगर 150 के नजदीक जाना है तो 3 गुना करना होगा, 3 गुना करना होगा, इसमें 3 गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, ये 153 हो जाएगा, लाना 154 है तो 3 गुना करने के बाद 4 और जोड़ दीजिए, 3 गुना करने के बाद 4 और जोड़ दीजिए, ये 3 कहां से आया, तो 3 भी अपने मन से आया
और चार भी अपने मन से आया, यानी गुना करने के बाद कुछ अपने मन से जोड़ भी दीजिए, ठीक है। और सारे पे बिहार एसएससी में लगभग लगभग इसमें से अधिकतर पे सवाल है, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ भी जोड़ने के बाद अपने मन से तीन से गुना, और तीन जब जोड़ा जाएगा भाई तो क्या होगा जरा देख लिया जाए। 9, 6, 15, 15, 30, 30 और 15 कितना, 9, 6, 15, 15, 15, 30, 30 और 15 45, लेकिन यहां से दो बच जाएगा, तो 45 और 5 50 और बचा हुआ 2 52, 52 गुना 3 करेंगे तो ये 156, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 107, ठीक है क्या। सिमिलरली यहां आइए, यहां अगर लेफ्ट से जोड़ा जाए 19, जो लेफ्ट से हो सकता है, सारी क्रियाएं राइट से हो सकती हैं, लेकिन एग्जाम में आपका लेफ्ट से ज्यादा आएगा तो हम लेफ्ट से ही लेकर चल रहे हैं। क्या होगा भाई, ये जोड़ने पर कितना आएगा मेरे भाई, तो जोड़ने पर सर ये आ जाएगा 15, 14, 60 और 20, 80, और बचा हुआ 4, 4, 1, 5, 5, 3, 8, 88 आ जाएगा सर, जोड़ने पे 88 आ जाएगा, लाना 44 है, तो नो डाउट 2 से भाग देना होगा, 2 से भाग देंगे ये 44 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 है, 1 है, 14 है, 11 है, जोड़ने पे 28 आएगा, और फिर 2 से भाग देंगे 14 आ जाएगा। ये 2 कहाँ से आया, अपने मन से पहले ही हमने चर्चा कर लिया है, जोड़िए, जोड़ने पर जो आया उसको अपने मन से कुछ जोड़ घटा गुना भाग कर दीजिए, या लेटर के संख्या से जोड़ घटा गुना भाग कर दीजिए। यहाँ पे सेम काम करेंगे, ये 9 है, ये 13 है, ये 16 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 19 है, जोड़ा जाए, जोड़ने पे जो आए उसको 2 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, इतना तो कर ही लीजिएगा भाई। चलिए, तो ये था लेटर टू डिजिट का 6 रूल, और 6 रूल में क्या हुआ, इसको अच्छे से पढ़ने से ज्यादा, प्रैक्टिस करने से ज्यादा बोलना है। कैसे बोलना है कि जोड़ के एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, तो जोड़ेगा पहले, जोड़ने के बाद वही अपने लेटर का संख्या में जोड़ घटा गुना भाग कर देगा, या अपने मन से कुछ जोड़ घटाओ गुना भाग कर देगा, जोड़ेगा और जोड़ने पर जो आएगा उसका दोनों डिजिट जोड़ देगा, ठीक है, जोड़ेगा, जोड़ने पर जो आएगा उसको अपने मन से कुछ गुना करके कुछ जोड़ देगा या घटा देगा। इस तरह से बोलिएगा ना 5-10 बार, तो वो टाइप आपके माइंड में सेट करेगा, और फिर जब एग्जाम में आएगा तो उतना सोचिएगा तो बन ही जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं लेटर टू डिजिट का। ये तो सारी रूल हो गई, अब प्रैक्टिस। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेटर टू डिजिट का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, दिख रहा है क्या, दिख रहा है अच्छे से, देखो क्या है। ये तो क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि सर L लेफ्ट से 12 है, E 5 है, G 7 है, E 5 है, N 14 है और D 4 है, यानी लेफ्ट एंड से पोजीशन दिया है, तो D हमारा 20 हो जाएगा, R 18, E 5, N 14, D 4, 20, 18, 5, 14, 4, जो कि सर आपके ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने अभी रूल में पढ़ा है लेटर के पोजीशन किधर से, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो ये लेफ्ट से दिया हुआ था, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए इसमें क्या है, तो सर ये पोजीशन है लेफ्ट से ही है, लेफ्ट से ही पोजीशन है, लेकिन इसमें शुरू वाला शुरू में नहीं लिखा है। देखिए W
का पोजीशन कितना है 23 और ये 23 लास्ट में है, आई 9 सेकंड लास्ट में है, एन 14 और डी 4, ठीक है, यानी ये सेकंड पैटर्न पे है। उसी तरह एस 19 ए 1 एन 14 और डी 4। तो आपसे जो फैशन पूछ रहा है, फैशन का 6 कहां जाएगा, लास्ट में जाएगा, ए 1 एस 19 एच 8 आई 9 ओ 15 और एन कितना 14, 14 15 14 15 इसमें नहीं है, 14 15 9 8 19 और यहां पे गड़बड़ कर दिया, 1 6 होना चाहिए, 14 15 9 8 19 16, ठीक है, ये सही है आपका भी डी ऑप्शन। आगे आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला सवाल। संडे बराबर दे रखा है 18, कैसे दिया है, तो संडे में सर देखिए 6 लेटर है, संडे में 6 लेटर है और क्लियर दिख रहा है कि 6 में 3 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। मानसून में कितना लेटर है, मानसून में 7 लेटर है, 7 में 3 से अपने मन से गुना कर दिया जाए 21 आ जाएगा। अभी अभी रूल 1 में पढ़ा है आपने, इसमें 4 लेटर है, 4 गुना 3 कर दिया जाए 12 हो जाएगा। तो थर्सडे में आपका 3 3 6 2 8 लेटर है, 8 गुना 3 करेंगे 24 आंसर हो जाएगा, एकदम इजीली पकड़ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, आसानी से बन रहा है। देखिए वर्ड बराबर 44 दे रखा है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, एक बार जोड़ के देखा जाए, है ना, जोड़ के देखा जाए लेफ्ट से, तो ये 23 है भाई, ये कितना है सर, ये 1 है, ये 18 है, ये 4 है, जोड़ेंगे ये कितना, तो इसका 2 अगर इसको दे दे, हाँ, तो 20 20 40 हो जाएगा, 20 और 20 कितना 40, बच गया कितना 1, तो ये हो जाएगा सर 4 और 2 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, है ना। ऐसे भी देखिए ना, 18 1 19 और 4 23, 23 और 23 46, लाना 44 है, यानी लग रहा है कि जोड़ने के बाद 2 घटा दो, यहां देखते हैं, ये है 12, ये 15, ये 1 और ये 4, 12 15 कितना 27, 1 28 और 4 32, जी यहां पे जाकर एकदम क्लियर हो गया कि हाँ जोड़ो और जोड़ने के बाद जो आ रहा है उसमें अपने मन से 2 घटा दो। तो सेम काम यहां करेंगे हम, तो ये 2 है, ये 18 है, ये 9 है और ये 20 है, कितना हो जाएगा 18 2 20 20 40 और 9 49, और 49 में अगर 2 घटा दिया जाए तो हमारा 47 आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर, चल आगे बढ़ा जाए। ये ए ए हमको पता चल रहा है कि सर ये लेफ्ट से नहीं राइट से ए कितना होता है 26 होता है, तो यहां भी अगर राइट से देखा जाए, राइट से तो राइट से राइट से एस कितना 8, यू कितना 6 और एन कितना 13, 13 और 14 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि राइट से पोजीशन लिखा हुआ है, तो यहां भी राइट से पोजीशन लिखें तो सी 24,
ये 26 और ये 7, 24 26 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 50 और 7 कितना, 57 हो जाएगा हमारा आंसर, 57। बोलिए कितना मजेदार है, इतना आसानी से सॉल्व हो रहा है। बस रूल को माइंड में रखना है, कोडिंग डिकोडिंग को एनालिसिस करके पढ़ना है, ऐसे नहीं कि 10 सवाल बना दिए ऐसे ऐसे होता है। जैसे हमने सिलसिलेवार एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपको टाइप वाइज सजा कर पढ़ाया कि बाबू चेंज इन पोजीशन में ये चार चीज जानना है, लेटर टू डिजिट में इतना चीज जानना है, आपका सवाल उसी के अंदर से रहे, ठीक है। चल ये देखा जाए, ये अब यहां पे देखें तो L लेफ्ट से कितना है 12, O कितना है 15, V 22 और E 5। अब ये क्लियर दिख रहा है, देखिए कि सर 12 का 1 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 15 का 1 और 5 छोड़ दीजिएगा 6 हो जाएगा, अभी तो हमने पढ़ाया है भाई, और ये तो अकेला है तो इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो माइक का 13 का 1 और 3 जोड़ दीजिएगा 4 हो जाएगा, आई अकेला है जुटेगा ही नहीं 9 रह जाएगा, 11 का 1 और 1 जोड़ दीजिएगा 2, ये 5 अकेला है जुटेगा ही नहीं, 4 9 2 5 ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये यही सवाल था जो बिहार एसएससी 2014 में पूछा गया था, हमने पीछे बताया था कि सेम कॉन्सेप्ट पे था, अब बोल रहे हैं यही वाला सवाल था, यही वाला सवाल था बीएसएससी स्नातक स्तरीय 2014। देखो क्या है, एम 13 है इसमें 6 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, 1 है इसमें 6 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 3 है इसमें 6 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, यानी पोजीशन चढ़ाकर 6-6 जोड़ते जाइए, पोजीशन चढ़ाकर 6-6 जोड़ते जाइए मिलता जाएगा भाई, 6-6 जोड़ते जाइए मिलता जाएगा। तो डी में 6 जोड़ेंगे 4 और 6 10 हो जाएगा, आंसर आपका सी हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर हो गया, क्योंकि शुरू में 10 सिर्फ ऑप्शन क्या था सी में था, 14 6 20 जोड़ना है, 7 6 13, 5 6 11, 18 और 6 24 सी हो जाए। ठीक है, यहां देख ये अगर इसको जोड़ा जाए तो ये लेफ्ट से अगर जोड़ा जाए तो ये 18, ये 1, ये 13, ये 1, ये 14, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो ये कितना होगा बताइएगा, ये होगा 47, ठीक ना, और इसका 47 का अगर आधा कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 23.5, 47 जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दिया, 2 कहां से आया, अपने मन से आया, ठीक है। यहां जोड़ेंगे 3 1 16, जोड़ेंगे कितना होगा 24, और इसमें 20 होगा, 20 और इसमें भी 2 से भाग दे दिया जाए 10 आ जाएगा, तो कैपेसिटी को अगर जोड़ा जाए तो 3 1 16 1 3 9 20 25, ये जोड़ा जाएगा कितना आएगा, ये 16 4 20 हो गया, 16 4 20, 20 20 40 40 और 20, 60 5 65, यहां तक जोड़े 20 20 20 40 40 और 25 65, 65 और 10 75 और 3 78, 78 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे ये हो जाएगा कितना, तो 39 हो जाएगा, 39 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो जो रूल आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है क्या, जोड़ने के बाद अपने मन से भाग दे दो या गुना कर दो, उसी पे तो है बाबू। फिर देखिए ये वाला एकदम सिंपल दिख रहा है, आपके बिहार एसएससी का क्वेश्चन सिंपल सिंपल ही। देखिए ये डब्लू 23 है और इसमें अगर हम लोग दो से गुना कर दें तो 23 × 46, ठीक है। ये इंटर स्तरीय सचिवालय सहायक इंटर स्तरीय जो हाल फिलहाल में हुआ है पीटी, उसका सवाल है, यानी 2014 के बाद जो इंटर स्तरीय सेकेंड टर्म में हुआ था, सेकेंड टर्म इंटर स्तरीय में कोडिंग डिकोडिंग से 7-8 क्वेश्चन था, ठीक है। ये 20, ये 1, सॉरी, ये 3, ये 1, ये 20, जोड़ा जाएगा कितना होगा 24, और इसमें 2 से गुना कर दिया जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये 19 है, ये 1 है, ये 12 है, ये 5 है, जोड़ेंगे कितना होगा 20 और 17, 19 × 1 = 20, 12 × 5 = 17, 37, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका 74 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे ये यहां पे अगर देखा जाए तो ये अगर लेफ्ट से देखा जाए, किधर से देखा जाए, लेफ्ट से, तो ये 9 है, ये सॉरी ये आपका 4 है, ये आपका 9 है, ये आपका 7 है। अगर देखा जाए तो 9, 7, 16, 4, 20 आएगा, और ये देखा जाए भाई, ये देखा जाए तो ये 3, ये 21, ये 20, 20, 20, 40 और 4, 44 आएगा, ये 44, ये 20, लाना है 25, तो जोड़ने के बाद इसमें भी अपने मन से 5 जोड़ना होगा और इसमें भी अपने मन से 5 जोड़ना होगा। तो यहाँ पे भी अगर सेम काम किया जाए तो 11, 9, 3, 11, 11, 9, 20, 11, 9, 20, 20 और 14, 34, और इसमें 5 जोड़ा जाए तो आपका आंसर 39 हो जाए, ठीक, जोड़ के अपने मन से कुछ जोड़ दिए। आगे बढ़ा जाए तो हमने रूल पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, रूल पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आइए ये देखिए, इसमें क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए, लेफ्ट से जोड़ा जाए क्या? अगर लेफ्ट से जोड़ते हैं इसको तो ये कितना है भाई, ये 2 है, 18 है, 15 है, 20 है, 8 है, 5 है, 18 है, अगर जोड़ा जाए तो 18 × 2 = 20, 20 = 40, ऐसे करते हैं, 18 × 2 = 20, 20 = 40, 40 × 20 = 60, 60 × 20 = 80 और 6 = 86, हाँ आ तो जा रहा है, लेफ्ट से जोड़ने पे आ जा रहा है, आ जा रहा है 86 आ जा रहा है। यहाँ जोड़ के देख लेते हैं एक बार, 6, 1, 20, 8, 5, 18, अगर जोड़ा जाए तो ये 58 आ रहा है क्या, 20 और ये आपका 18, और यहां से अगर 2 दिया दे दिया जाए तो ये 20 और 20 = 40, 40 हो गया, यहां बचा कितना, 4 बच गया, ठीक है, 4 × 1 = 5 और 5 = 10, ठीक है, तो 40 और 10 = 50 और 8 = 58 हो तो जा रहा है भाई, हो जा रहा है, ठीक है, 58 हो जा रहा है। तो यानी क्या है, लेफ्ट इंड से पोजीशन का जोड़ है, तो यहां भी लेफ्ट से जोड़िएगा तो 13
पंद्रह बीस आठ पांच अठारह जोड़ेंगे कितना होगा भाई? तेरह पंद्रह पांच बीस, बीस बीस चालीस, बीस बीस चालीस, और ये दो इसको दे दिया जाए तो चालीस और बीस साठ, यहां तक हो गया कितना? साठ, साठ और तेरह छ उन्नीस, साठ और उन्नीस सेवेंटी नाइन हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से पोजीशन चढ़ा के जोड़ दिया गया है। आगे ये देखो, ये अगर राइट से पोजीशन चढ़ाया जाए, क्योंकि लेफ्ट से पोजीशन चढ़ाने पे तो पंद्रह और सात बाईस ही आ रहा है, लेफ्ट से पोजीशन चढ़ाने पे तो पंद्रह सात बाईस ही आ रहा है, तो लेफ्ट से तो होगा नहीं, राइट से करके देखते हैं। राइट से ये बीस और ये बारह, हाँ राइट से अगर चढ़ाएंगे तो ये बीस और बारह बत्तीस हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे राइट से यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आठ, ये आपका 19 और ये 22। अगर देखा जाए तो 22 और 8 30, और 30 और 19 49, 49 यहां हो जा रहा है। तो यहां क्या है, राइट से पोजीशन चढ़ाकर जोड़ दिया गया है। तो यहां भी अगर आप राइट से पोजीशन चढ़ा के जोड़ दो तो ये 8, ये 12, ये 14, ये 22, अगर सबको जोड़ा जाए तो 12 8 20, बीस बीस चालीस, और चालीस और सोलह, बारह आठ बीस बीस चालीस, चालीस और सोलह कितना? छप्पन, छप्पन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेटर टू डिजिट था। ठीक है, बस रूल को याद करना है, रूल को समझना है अच्छे से, और उसी बेसिस पे क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अगला टाइप जो है वो हम लोगों का है लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल अगला टाइप। अब ये लेटर टू सिंबल में आपको एक चीज ध्यान रखना है। देखो, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है भाई कि ये देखने पे ना लग को लेटर टू डिजिट जैसा, देखने से लेटर टू डिजिट लग रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जानकारी के अभाव में ना इसको जोड़ घटाओ गुना भाग करने लगते हैं और सवाल बनता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि आप इसको लेटर टू डिजिट मान रहे हैं और एग्जामिनर इसको लेटर टू क्या बना दिया है, सिंबल, यानी ये डिजिट डिजिट की तरह नहीं बिहेव करके सिंबल की तरह बिहेव कर, कैसे पकड़ेंगे एग्जाम में? तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ब्रिंजल, पी आर आई एन जे ए एल, ये बी आर आई ए एन जे एल, इसके सारे लेटर जो ब्रिंग और जेल दिया है, जो दिया है उसमें मौजूद है, और जो आपका ऑप्शन है चारों, ये चारों ऑप्शन के डिजिट, ये जो दिया गया नंबर है इसमें मौजूद है। ठीक है, अगर ऐसा हो, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये जो पूछ रहा है इसके सारे लेटर जो गिवन वर्ड्स हैं उसमें मौजूद हो, और जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन के सारे डिजिट जो गिवन नंबर हैं उसमें मौजूद हो, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये लेटर टू डिजिट, सॉरी लेटर डिजिट का क्वेश्चन नहीं होकर ये किसका सवाल है, लेटर टू सिंबल का। और एक बार जब आपको समझ में आ गया कि ये लेटर टू सिंबल है, तो भाई
इसमें करना कुछ नहीं है, ये एकदम इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? तो बस इसमें क्या होता है, सामने वाले लेटर का कोड सामने वाला डिजिट होता है, यानी बी का कोड बी के सामने वाला 2 होगा, आर का कोड आर के सामने वाला 5, एंड सो ऑन, ठीक ना, ये होगा। जे का कोड जे के सामने वाला 4, 3, 6, 7, ठीक है। तो अब अगर ब्रिंजल का कोड पूछ रहा है तो बी का कोड बी के सामने वाला 2 होगा, आर का कोड आर के सामने वाला 5, आई का कोड आई के सामने, आई यहां से 3 नंबर पे है, इधर 3 नंबर पे 6 है, यानी आई का कोड 6 होगा, एन का कोड 9, जे का कोड जे का कोड जे के सामने 4, ए का कोड ए के सामने 3, और एल का कोड एल के सामने 7, यानी 2, 5, 6, 2, 5, 6, 9, 4, 3, 7, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखो भाई, यहां पे भी देखो, जो ड्राइवर पूछा ना आपसे, जो ड्राइवर पूछा वो उसके सारे लेटर इंक्लूड और रिवर्ट में मौजूद है, और जो ऑप्शन में दे रखा है 2, 1, 5, 3, 4, 3, वो सारे के सारे डिजिट जो गिवन नंबर है उसमें मौजूद है। जो इस बात का वो चीख चीख कर कह रहा है कि भाई हम लेटर टू डिजिट नहीं है, हम क्या है, लेटर टू सिंबल है। और जब एक बार पता चल गया कि ये लेटर टू सिंबल है तो करना क्या है, आपको पता ही है, बस हर लेटर का कोड उसके एक नंबर पर, आई वाले का कोड एक नंबर वाला 4 होगा, सेकंड लास्ट में डी है तो इसका कोड सेकंड लास्ट वाला 2 होगा, तो बस निकाल दीजिए ड्राइवर का कोड क्या होगा, तो डी का कोड डी के सामने वाला 2, आर का कोड आर के सामने वाला 3, आई का कोड आई के सामने वाला 4, बी का कोड बी के सामने वाला 1, ई का कोड ई के सामने वाला 5, और आर का कोड आर के सामने वाला 3। 2, 3, 4, 1, 5, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 3 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, हो जाएगा आंसर, है ना, एकदम सिंपल है, लेटर टू सिंपल। ये वाले में तो कुछ कहना ही नहीं है, इस वाले में तो कुछ कहना ही नहीं है। अगला, ये वाला लेटर टू सिंबल, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, लेटर टू सिंबल है ये, तो देखने से ही लेटर टू सिंबल लग रहा है। तो इसमें डी का कोड डी के सामने वाला क्या हो जाएगा, हैश ई का डॉलर एस का 5 के का 2, तो आपसे पूछा है रिस्क, तो आर का कोड आर के सामने पहला परसेंटेज हो जाएगा, आई का कोड आई के सामने वाला 7 तो हो जाएगा क्या, जी बिल्कुल हो जाएगा, एस का कोड एस के सामने वाला 5 हो जाएगा, और के का कोड के सामने वाला 2, परसेंटेज 752, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए, आपका है वर्ड टू वर्ड, ये तो आप जानते ही हैं, क्या बोल रहा है, यदि पुस्तक को घड़ी, अगला टाइप है वर्ड टू वर्ड, क्या बोल रहा है, यदि पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को सप्तकोश कहा जाए, पुस्तक को घड़ी कहा जाए, मतलब क्या है कि पुस्तक का कोड दिया है क्या, घड़ी, पुस्तक का कोड क्या दिया है, घड़ी, घड़ी को बैग कह रहा है, मतलब घड़ी का कोड क्या दिया है, बैग, ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, तो पुस्तक ले जाने के लिए हम लोग बैग का प्रयोग करते हैं, और बैग का कोड क्या दिया है, शब्दकोश, यानी कोड भाषा में पुस्तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, शब्दकोश का, शब्दकोश का, ठीक, क्योंकि पुस्तक ले जाने के लिए हम लोग बैग का प्रयोग करते हैं,
और बैग का कोड है क्या? तो बैग को तो कोड भाषा में शब्दकोश कहा जा रहा है, ठीक है। चल लास्ट टाइप, अंत भला तो सब भला, और सबसे अंत में हम लोगों को पढ़ना है सेंटेंस टू सेंटेंस, जो दो तरीके का। एक सेंटेंस टू सेंटेंस क्या होता है? पोजीशन वाइज, पोजीशन वाइज। और एक क्या होता है? कॉमन, कॉमन। पोजीशन वाइज में हम लोग लेटर के सामने के पोजीशन को ही उसका कोड मान लेते हैं, और कॉमन वाले पार्ट में क्या करते हैं कि कॉमन वाले पार्ट में कॉमन ढूंढते हैं। तो सबसे पहला तो ये पोजीशन वाइज में क्या होगा, लेटर के सामने का संख्या या सिंबल ही उसका कोड होगा। संख्या या सिंबल ही उसका क्या होगा? कोड होगा। किसमें? पोजीशन वाइज। पोजीशन वाइज का मतलब ही होता है कि अगर वाट है यहाँ पे एक नंबर पे, तो वाट का कोड एक नंबर वाला ली हो जाएगा। कब? जब ये पोजीशन वाइज होगा तब। तो पहला सवाल ये है कि सर चेक कैसे करेंगे कि ये पोजीशन वाइज है या नहीं है? तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिए, कोडिंग डिकोडिंग में एक लेटर का एक ही कोड होगा कि दो कोड होगा? जैसे ये 36 नंबर में अगर यहां पे यू का कोड एमओ है, तो यू का कोड सब जगह एमओ ही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर यहां पे आप बोल रहे हैं कि यू का कोड एमओ है, तो यू का कोड सब जगह इस 36 नंबर सवाल में सब जगह क्या होना चाहिए? एमओ ही होना चाहिए। यानी यहां भी एमओ ही होना चाहिए, यहां भी एमओ ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको पोजीशन वाइज मानिएगा तो आप देखिए, तो पोजीशन वाइज का मतलब क्या होता है? पोजीशन वाइज का मतलब होता है कि लेटर के सामने का कोड का संख्या ही उसका, लेटर के सामने का संख्या या लेटर या सिंबल ही उसका कोड होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम इसको पोजीशन वाइज बोलेंगे तो भाई यू का तो यहाँ कोड एमओ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक नंबर पे यू है तो यहाँ एक नंबर पे एमओ है, और यहाँ एक नंबर पर यू है तो यहाँ एक नंबर पर नील है। तो क्या हम इसको पोजीशन वाइज बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि सर इसको पोजीशन वाइज बोलते हैं अगर, तो एक ही लेटर का दो दो कोड आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक लेटर का एक ही कोड हो सकता है, दो कोड कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि ये पोजीशन वाइज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ यू के सामने एमओ है और यहाँ भी यू के सामने एमओ हो जाता, यदि रहता, तो हम इसके पोजीशन वाइज बोल सकते थे। तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल बोल सकते थे, क्योंकि दोनों जगह कोड क्या है? सेम सेम है। अगर नहीं है सेम सेम, तो फिर पोजीशन वाइज कैसे बोलिएगा? एक लेटर का दो कोड कैसे पॉसिबल है सर? ठीक है, तो क्लियर सा फंडा हुआ। यहाँ कॉमन यू यू है, तो यहाँ यू के सामने जो कोड है, यहाँ भी यू के सामने सेम कोड होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये पोजीशन वाइज है। यहाँ वाज के सामने एलई है और यहाँ भी वाज के सामने एलई होता, तो बोलते पोजीशन वाइज है। नहीं है तो बोलेंगे पोजीशन वाइज नहीं है, क्योंकि पोजीशन वाइज बोलने से एक ही वाज का दो दो कोड आ जा रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये सब पोजीशन वाइज का नहीं है, ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। और जब ये कॉमन कोडिंग का सवाल है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ये भी देख लिया जाए। ये कॉमन कोडिंग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको जितना है, कितना दिया है, एक दो तीन चार चीज दिया है, लीराडा
मोनिल एमोनिल नील पोमरा टुकलीटू इतना दिया है। तो इस चारों में कॉमन खोजेंगे। इधर से देखा जाए तो एक वाटवाज इट दिया है, यूगो दिया है, यू लाइक इट दिया है, सी वाज सिक दिया है। इस चारों में कॉमन ढूंढेंगे। चारों में कुछ कॉमन है क्या? सर चारों में कुछ कॉमन नहीं है। कोई तीन में कॉमन है क्या? तीन में नहीं सर, तीन में भी कुछ कॉमन नहीं है। फिर दो में देखो ना, दो में कुछ कॉमन है क्या? जी सर, इस दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इस दोनों में, पहला और तीसरा में इट कॉमन है। क्या पहला और तीसरा में सिर्फ इट कॉमन है या और भी कुछ है? नहीं सर, पहला और तीसरा में सिर्फ और सिर्फ इट कॉमन है। अच्छो ध्यान रहे, अगर पहला और तीसरा में सिर्फ इट कॉमन है तो इधर भी जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड है इसमें कोई एक ही कॉमन होगा। से ज्यादा तो आप बोल दीजिए कि क्वेश्चन ही गलत क्वेश्चन है। अगर इधर पहला और तीसरा वाक्य में सिर्फ इट इट एक लेटर कॉमन आया है तो इधर भी एक ही कॉमन आना चाहिए, और जो कॉमन आएगा वही उस ईट का कोड हो जाएगा। तो क्या कॉमन है भाई? तो यहाँ पे रारा कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? रारा। तो ईट का कोड क्या हो जाएगा? रा। ठीक है, ईट का कोड हो गया रा। अब इधर आप देखो, दूसरा और तीसरा में यू कॉमन है। अगर दूसरा और तीसरा में सिर्फ यू कॉमन है तो यहाँ भी दूसरा तीसरा में सिर्फ एक कॉमन होगा जो कि नील है, और इस तरह से यू का कोड नील हो जाएगा। डबल टिक का कोड डबल टिक नील, सर्कल वाले का कोड सर्कल वाला रा। ठीक है, अब यहाँ पे यू का कोड अगर नील हो गया है तो बचा हुआ गो का कोड बचा हुआ एमओ हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। यहां पहला और चौथा में वाज कॉमन है। क्या कॉमन है? वाज। अगर पहला और चौथा कॉमन है तो यहाँ भी पहला और चौथा में कोई एक कॉमन होगा, और वो कॉमन क्या है? ली। यानी वाज का कोड क्या हो जाएगा? ली हो जाएगा। इस तरह से बचे हुए वाट का कोड, यहाँ वाज का कोड पता चल ही गया, ईट का कोड पता चल ही गया, तो बचा हुआ वाट का कोड बचा हुआ डी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब यहाँ पे बचा हुआ लाइक का कोड बचा हुआ क्या हो जाएगा? पीओ एम हो जाएगा। और यहाँ दो दो बच गया, एक सी और एक सिक, तो बचा हुआ सी और सिक का कोड इस दोनों में क्या होगा ये पता नहीं चल पाएगा। आपसे पूछा व्हाट यू लाइक, तो वाट का कोड आपको पता चल चुका है कि वाट का कोड डी है। यू का कोड पता चल चुका है डबल टिक नील है, और लाइक का कोड पता चल चुका है, लाइक का कोड बचा हुआ पीओ एम है। यानी हमारा कोड हो जाएगा डी नील पीओ एम। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं क्या हो जाएगा। व्हाट यू लाइक का कोड हो जाएगा व्हाट के लिए डी, यू के लिए नील, और लाइक के लिए पीओ एम। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक ना, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में क्या होना चाहिए? DENILPOM होना चाहिए, DENILPOM। ठीक ना, अब देखो सेम टू सेम DENILPOM कहीं है क्या? नहीं है। यहां पे ना थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए, यहां पे डी कर लिया जाए। ठीक है, यहां पे क्या कर लिया जाए? डी। यहां पे आप लोग आर ए को डी बना लीजिए। डी एन आई एल पी ओ एम सेम टू सेम नहीं है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ तीनों है,
लेकिन एक नंबर में डी होना चाहिए वो तीन नंबर पे है, अच्छा जो दो नंबर पे होना चाहिए वो दो नंबर पे ही है, और जो तीन नंबर पे होना चाहिए वो एक नंबर पे है, तो ध्यान रहे। और आंकड़े अपर्याप्त भी है, अब दोनों में किसको आंसर किया जाए, तो बाबू हमेशा ध्यान रखे रहे सेंटेंस टू सेंटेंस वाला में, और किसी टाइप में नहीं, सिर्फ इस टाइप में, यानी सेंटेंस टू सेंटेंस वाले में आपको इस बात पे फोकस नहीं करना है कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक ना, बस ये होना चाहिए कहाँ है सेंटेंस टू सेंटेंस वाले टाइप में, ये कहाँ है इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस होना चाहिए, अगर है तो वही आंसर हो जाएगा, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, उसका क्रम कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। जैसे ये सवाल है, इसमें आपसे पूछा है कि हियर का कोड क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इज के सामने क्या है, ना है, और यहाँ पे इज के सामने टा है, क्या दोनों जगह इज के सामने का कोड सेम है? नहीं सेम है सर, नहीं सेम है, तो ये कॉमन कोडिंग हो जाएगा, ये पोजीशन वाइज नहीं होगा, हम ये नहीं बोल सकते कि हु का कोड उसके सामने वाला पिक होगा, क्या करना होगा कॉमन ढूंढना पड़ेगा। अब कॉमन ढूंढेंगे तो भाई तीनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तीनों में तो कुछ कॉमन मिलने से रहा, तो दो दो में, इस दोनों में इज कॉमन है सर, और इस दोनों में जैसे यहाँ इज कॉमन है, इधर क्या कॉमन है, ना कॉमन है, तो इज का कोड ना हो जाएगा, है ना। यहाँ दोनों में देयर कॉमन है, यहाँ दोनों में देयर कॉमन है, तो यहाँ एक और तीन में हा कॉमन है, यानी देयर का कोड हा हो जाएगा, तो बचा यहाँ पे, अब तो कुछ कॉमन है नहीं, तो बचा हुआ हियर का कोड, बचा हुआ जा और पा में से कुछ भी हो सकता है, एक बचता तब ना, दो बच गया, हियर भी बच गया एंड भी बच गया, तो बचा हुआ हियर एंड और एंड का कोड बचा हुआ जा या पा में से ही तो कुछ होगा, क्या होगा हम कंफर्म नहीं बता सकते, इसलिए आंसर कर देंगे पा या जा में से कोई एक होगा उसका कोड। आगे बढ़ा जाए, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा हाउ हाउ, तो देखो भाई हाउ 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 हाउ, यू के सामने यहाँ हा है और यू के सामने यहाँ ना है, दोनों जगह फिर सेम कोड नहीं मिला, तो एक ही यू का तो दो दो कोड होगा नहीं, मतलब ये पोजीशन वाइज है ही नहीं, ये क्या है कॉमन कोडिंग है, और जब ये कॉमन कोडिंग है तो क्या होगा भाई मेरे, क्या होगा, ऐसा है दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो दोनों में यू आर कॉमन है, ओल्ड भी कॉमन है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ ओल्ड आर यू, नहीं यू आर कॉमन है, अगर इधर में दो कॉमन हो गया यू और आर, तो इधर भी कोई दो कॉमन होगा, एक तो पीओ कॉमन है और एक 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 टीओ कॉमन है, पीओ और टीओ, पीओ और पीओ, तो इसमें से एक कोई आर के लिए हो जाएगा, कोई एक यू के लिए हो जाएगा, अब बचा हुआ हो का कोड, बचा हुआ हाउ ऊपर बचा हुआ है, बचा हुआ हाउ का कोड, बचा हुआ के ओ और एच ए में से कुछ भी हो सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा के ओ या एच ए, ठीक है। अगर के ओ या एच ए नहीं रहता तो हम आंकड़े अपर्याप्त देते, ऐसा नहीं है कि के ओ या एच ए नहीं रहता तो इन दोनों में से कोई एक कर देते, नहीं, आंकड़े अपर्याप्त है, वो नहीं रहता तो इनमें से कोई नहीं, तो जब ये तीनों नहीं रहता तो के ओ या एच ए में से कोई एक अकेला दिखता, उसको हम लोग आंसर कर देते, ठीक है भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका कोडिंग डिकोडिंग फिनिश।
चलिए तो लास्ट क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, क्या है, हाउ यू आर पूछ रहा है। हाँ, इस दोनों, हाँ भाई, ये तीनों में यू कॉमन है, ये तीनों में यू कॉमन है ना, यू कॉमन है तो यहाँ तीनों में, अच्छा ये तो पूछ ही रहा है, सॉरी, यहाँ यहाँ ये तो पूछ ही रहा है, यहाँ तीनों में यू कॉमन है तो यहाँ तीनों में एनी एनी कॉमन है तो यू का कोड एनी हो जाएगा। अब यू हटाने के बाद इन दोनों में आर बच गया, तो यहाँ आर कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन है एस ई, तो आर का कोड एस ई हो जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ हाउ का कोड के आई और यहाँ बचा हुआ वेयर का कोड बी एल, और जब बचा हुआ वेयर का कोड बी एल हो जाएगा तो ये हियर का कोड जे ओ हो जाएगा। इस तरह यहाँ सारे का कोड निकल गया, हाउ का कोड क्या है तो हाउ का कोड के आई है, यू का कोड क्या है एन ई है, और हियर का कोड क्या है जे ओ है। और हमने थोड़ी देर पहले बोला कि ये सेम टू सेम मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो ऑर्डर चेंज भी होगा तो भी उसका उत्तर हो जाएगा, सेंटेंस टू सेंटेंस में ये बात ध्यान रखना है। तो ये था बिहार सचिवालय के लिए कोडिंग डिकोडिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाने वाला है, अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए, तीन मिनिमम, मैक्सिमम तो 5-7 सवाल भी हो सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। बिहार सचिवालय में ना 6-7 चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा तो 30-35 नंबर तो वही 6-7 चैप्टर से आपका रहेगा, ठीक है, और हम सारे चैप्टर को अच्छे से कराएंगे, अगर बोले हैं तो कराएंगे, थोड़ा सा लेट हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कराएंगे, अभी भी बहुत टाइम है, बस एक बार रिपीट कर लेना है, रिवीजन कर लेना है आप लोगों को। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं।